आदि अभी पढ़ते हैं और ध्यान आकर्षण के लिए हम कुछ स्पष्टीकरण का भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैं एक बार पढ़ता हूं, जैसे मैंने सुबह पढ़ा था, काफी सारे मित्रों का फीडबैक आया कि यह पठन अच्छा रहा, उपयोगी रहा। मैं वापस पढ़ता हूं। दर्शन, दृश्य, दृष्टि। दर्शन के लिए दर्शक, दृश्य और दृष्टि का रहना अनिवार्य है। दर्शक की क्षमता दृष्टि के परिमार्जन के योग से दृश्य के साथ दर्शन क्रिया है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझने की क्षमता, उसे वैसा ही देखने की प्रक्रिया के योग से दर्शन क्रिया। दर्शन के भेद से लक्ष्य भेद है, क्योंकि जो जैसा जिसका दर्शन करता है उसके अनुसार उसके साथ जो अर्थ है उसको लक्ष्य स्वीकारता है। यह मूल्यांकन क्रिया भ्रम और जागृति को स्पष्ट करता है। वातावरण, अध्ययन पूर्व संस्कारों के अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है। क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार ही जागृति एवं ह्रास की ओर गति। दृष्टि द्वारा प्राप्त समझ व्यंजना पूर्वक स्वीकृति को दर्शन संज्ञा है। दर्शन न्याय, धर्म, सत्य, सहज दृष्टि द्वारा की गई क्रिया प्रक्रिया की दर्शन संज्ञा है। सबका ध्यान जा रहा होगा। ये अनुभूतियां वैसे अब सरल लग रही हैं। जहां जहां आवश्यक होगा वहां वहां विश्लेषण हम करेंगे। अगली अनुभूति है प्राकृतिक एवं मानवकृत भेद से वातावरण। दर्शन, विचार, शास्त्र, इतिहास एवं काव्य भेद से अध्ययन है। शास्त्र निर्दिष्ट लक्ष्योन्मुख सिद्धांत प्रक्रिया एवं नियम तथा वस्तु स्थिति का निर्देश पूर्वक बोध कराने वाले शब्द व्यूह की शास्त्र संज्ञा है। काव्य जागृत मानव के भाव, विचार एवं कल्पनाशीलता जो मानव लक्ष्य के अर्थ में हो को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त शब्द व्यूह की काव्य संज्ञा है। इतिहास की मानवीयता की ओर कृतियों एवं घटनाओं के श्रृंखलाबद्ध क्रम के स्मरणार्थ प्रस्तुत भाषा या शब्द राशि की इतिहास संज्ञा है। भूगोल मानव और मानवीयता के अर्थ में पृथ्वी का सर्वेक्षण निरीक्षण पूर्वक मानचित्र सहित रचना ज्ञान पाने के लिए संपादित अध्ययन की भूगोल संज्ञा। पृष्ठ 63 पर वंशानुगत अभ्यास विधिहित तथा विधिहीन भेद से प्रयोग है। रचना विरचना पर्यंत जड़ प्रकृति संज्ञा है एवं वर्तमान से पहले जिसका निर्माण हो चुका है उसका अध्ययन तथा भविष्य में जिसके निर्माण की संभावना है उसका अनुमान मानव ने किया है। संपूर्ण रचना को जड़ प्रकृति संज्ञा है। नियम प्रक्रिया और फल का संयुक्त प्रमाण ही सिद्धांत है, क्योंकि समाधान पूर्वक नियम एवं प्रक्रिया के अभाव में किसी भी क्रिया एवं फल का दर्शन सिद्ध नहीं है।
क्रिया के नियम एवं प्रक्रिया प्रयोजन के बोध से ही वैचारिक परिमार्जन अर्थात समाधान संभव हो सका है। सुसंस्कृत संस्कार, विधि, मानव चेतना, देव चेतना एवं दिव्य चेतना क्रम में है। विधि में जो विश्वास है उसकी सुसंस्कृत सुसंस्कार संज्ञा है। आगे की अनुभूति मानवीयता पूर्ण प्रवृत्ति एवं व्यवहार की न्याय तथा अमानवीय प्रवृत्ति एवं व्यवहार की अन्याय संज्ञा है। यथार्थ बोध के पश्चात उसके प्रति उत्पन्न दृढ़ता की विश्वास संज्ञा है। न्यायपूर्वक की गई कृति की सुकृति तथा अन्यायपूर्वक की गई कृति की दुष्कृति संज्ञा है। मानवीयता के लिए आवश्यक नियम ही न्याय है, जिससे भी मानवीयता का संरक्षण एवं संवर्धन सिद्ध है। मानव के व्यवहार का नियंत्रण न्याय से, वैचारिक संयम का धर्म से तथा अनुभव मात्र सत्य से संपन्न है। नियम से ही नियंत्रण है, स्वीकारने योग्य लक्ष्य से ही धारणा है एवं जिसमें परिणाम नहीं है ही सत्य है। मानव ने स्वीकारने योग्य तथ्य एवं लक्ष्य सुख को जन्म से ही स्वीकार कर लिया है। स्थूल व सूक्ष्म भेद से ही विकृति अथवा सुकृति है। विज्ञान व विवेक के अध्ययन एवं प्रयोग के से विकास अर्थात जागृति तथा अज्ञान एवं अविवेक से ही ह्रास है। जागृति व ह्रास भेद से ही मानव का मनाकार भेद होता है। आसक्ति एवं अयथार्थ अनासक्ति भेद से ही मानव की मनस्वस्थता की आशाएं हैं। आशाएं ब्रह्ममुक्त पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था, अर्थ एवं काम के रूप में प्रलोभन, प्रत्याशा भेद से दर्शन, स्वीकृत व अनुकरण भेद से काव्य। जिस कार्य विचार व व्यवहार से क्लेशोदय हो वह निषेध तथा जिससे सुखोदय होता है यही विधि के रूप में स्वीकारी जाती है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम वातावरण मानव के लिए अनुकूल या प्रतिकूल होता है। मानव में आशाएं अमानवीय, मानवीय व अतिमानवीय अवस्था भेजते हैं। प्रवृत्ति व निवृत्ति, बंधन एवं मोक्ष के स्पष्टीकरण भेद से शास्त्र, विहिताविहित भेद से आशाएं, विचार इच्छा एवं ऋतम भरा है जिसकी विवेचना अध्ययन व प्रयोग करने का अवकाश एवं अवसर केवल मानव में। जड़ वस्तु में मात्र स्थिति गति होना रहना पाया जाता है। समस्त जड़ क्रिया में परमाणुओं को क्रियाशील रहना पाया जाता है। परमाणु समूह के रूप में अथवा संहित रूप में क्रियाशील मध्यांश तथा आश्रित अंशों सहित क्रिया के रूप में परिलक्षित होता है। इसलिए ज्ञात होता है कि जड़ पदार्थ में क्रियाशीलता स्वतंत्र है। जब एक परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हो जाता है उसी समय से जीने की आशा बंधन स्वरूप पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि हर जीव जीना चाहता है। मानव बुद्धिजीवी विचारशील होने के कारण विचार इच्छा अहंकार अथवा संकल्प का प्रयोग वृत्ति चित्त तथा बुद्धि द्वारा करता है। वृत्ति का बंधन विचार का बंधन। जो स्वविचार को श्रेष्ठ मानने से है तथा इससे अमानवीय विचार का प्रसव होता है क्योंकि मानव कल्पनाशील है। न्यायपूर्ण विचार से आशा बंधन एवं विचार बंधन से मुक्ति होती है।
चित्त का बंधन, इच्छा का बंधन है, जो स्वयं द्वारा किए गए चित्रण को श्रेष्ठ मानने से होता है। इससे अमानवीयता का पोषण तथा चिंता का जन्म होता है। धर्मपूर्ण चिंतन से अथवा चित्रण से इच्छा बंधन से मुक्ति होती है। भ्रमित मानव मान्यता पूर्वक चित्रण क्रिया से स्वयं को श्रेष्ठ मानने से इच्छा बंधन होता है, यही अभिमान का पठन कर चुके हैं लोग, और पांच कर लेते हैं और फिर हम विश्लेषण को। सत्य बोध से परिपूर्ण संकल्प से ब्रह्म मुक्ति होती है। लोकाशक्ति से, जड़ पक्ष से विषय सुख, फलस्वरूप दुख एवं समस्या तथा आत्मबोध से सहज सुख की निरंतरता है। लोग परिणामवादी है, अतः उसका सुख भी क्षणिक है, इसलिए लोकाशक्ति बंधन का कारण है। आत्मबोध अमर है, वह अपरिणामी है, इसलिए आत्मबोध का सुख शाश्वत है। यह सिद्ध होता है बंधन है तथा जिसमें सुख स्वभाव है उसका अनुभव भी मोक्ष है। यहां तक हम आज का पठन कर सकते हैं और एक एक करके जितना जितना ध्यान दिया, आधा घंटा शेष है, हम विश्लेषण शुरू कर सकते हैं। तो जो मेरा ध्यान गया इन अनुभूतियों में, वो थोड़ा सा आपको पढ़ते सुना। कहां कहां ध्यान कार का अनुबंधानुक्रम, ये एक ध्यान का मुद्दा है। जो समझ है वह व्यंजना पूर्वक कैसे होता है, ये एक समझने का बात है। अध्ययन के लिए आवश्यक सूचना का प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार से हो सकता है, वह हमें दर्शन, विचार, शास्त्र, इतिहास एवं काव्य भेद से अध्ययन है, ये यहां से स्पष्ट हो सकता है। ध्यान आकर्षण का मुद्दा है। चार पांच मुद्दे हैं जो उसको लगा इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। अब एक एक करके हम अनुभूतियों को देखते हैं। दर्शन के लिए दर्शक, दृश्य और दृष्टि का रहना अनिवार्य। दर्शन का मतलब है देखना, देखने का मतलब है समझना। तो उसको होने के लिए दर्शक, दृश्य और दृष्टि का रहना अनिवार्य। अब ये दिखता है कि दर्शक मैं हूं, दृश्य भी प्रत्यक्ष है और दृष्टि भी है। अब यह रहना अनिवार्य है, यह है स्थिति। अब यह अनिवार्य कैसे रह सकती है, तो उसमें दिया है दर्शक की क्षमता, दृष्टि के परिमार्जन के योग से दृश्य के साथ दर्शन क्रिया। तो दर्शक की क्षमता यानी देखने की क्षमता, तो हम आप अपने में जांचना है कि हमारी देखने की क्षमता है। कैसे पता लगता है, तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि चाहने से पता लगता है। हम सभी अपने आप को ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं समझना चाहता हूं, क्या मैं देखना चाहता हूं। उत्तर यह आता है कि हाँ, मैं समझना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, चाहना है। इसका मतलब है कि एक क्षमता का बीज रूप तो हमारे में है। अब एक क्षमता विकसित करने की बात, ये कैसे विकसित हो, तो दृष्टि के परिमार्जन के योग से। दृष्टि का परिमार्जन होने की आवश्यकता, दृश्य के साथ दर्शन क्रिया है। दृश्य कैसा है उसके साथ दर्शन क्रिया है। अब यहां दृश्य की सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, आपके पास भी है। दृश्य है प्रकृति से शुरू करते हैं, है ना। बाबा जी ने यहां देखने के लिए दो प्रकार की दृष्टि का सूचना हमें दिया है। एक सूचना है कि हम दृष्टि गोचर विधि से देखते हैं और दूसरा है चर्म चक्षु। एक है चर्म चक्षु यानी जिसको हम कहते हैं दृष्टि गोचर, आंखों में दिखता है,
और दूसरा है ज्ञान लोच, जो हम हैं, हम जीवन हैं, जीवन भी देखता है, जीवन समझता है, मतलब जीवन में दृष्टि है, इस दृष्टि को ज्ञान गोचर दृष्टि कहा। तो एक सूचना हमें है, रूप गुण स्वभाव धर्म की सूचना। तो ध्यान जाता है कि हम चर्म चक्षु से रूप को पहचानते हैं, तो वह भी पूरा समझ में नहीं आता, उसके पार भी कुछ है ऐसा अनुमान होता है। गुण भी आंशिक रूप में समझ में आता है, स्वभाव और धर्म तो आंखों में आता ही। तो अब ये हमारे लिए जिज्ञासा है कि जिस चीज का अस्तित्व है और वह तो सूचना पर आते हैं कि ये दृश्य अभी धरती के साथ है, ब्रह्मांड अस्तित्व एक दृश्य है, इस दृश्य के साथ दर्शन क्रिया ही देखने की प्रक्रिया से ये योग से दर्शन क्रिया है। जो जैसा है वैसा समझने की क्षमता व्यवस्था संकेतों को हम अनदेखी करना, इनसे योग कैसे हो? इसको देखना अवश्य कि ये जैसा हमें लग रहा है कि ये योग हो रहा है, तो मैं इसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा, अनुभव की रोशनी में ये दिखता है। अब ये जो सूचना आ रही है उस सूचना को हम उनकी दर्शन क्षमता विकसित हुई, अब यह जागरूक अनुभव की रोशनी जैसे मान आ गया थोड़ा सा व्यवधान है एक बार में। तो लक्ष्य स्वीकारना यह मूल्यांकन क्रिया भ्रम और जागृति को स्पष्ट करती है, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण है वातावरण अध्ययन एवं पूर्व संस्कार के अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन क्षमता योग्यता एवं पात्रता। तो वातावरण जो हमें उपलब्ध है, अध्ययन का मतलब है कंटेंट, अध्ययन की वस्तु क्या है, वातावरण का मतलब है कि मानवकृत वातावरण है जिसमें परस्पर संबंध है, हम ये सभी संबंधों में क्या भाव है, उस भाव से हमें प्रेरणा होने से वातावरण है, उसमें अध्ययन है, और जो हमारी पूर्व प्रवृत्तियां हैं, पूर्व संस्कार है, इन सब का एक अनुबंधानुक्रम है। अनुबंधानुक्रम का मतलब है अनुक्रम, अनुक्रम से बंधन, यानी उस तरह का बंधन नहीं है जैसे हम एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, तो अनुक्रम से हमारा संबंध होना और उसमें एक क्रमिकता होना जिसे हम व्यवस्था कह रहे हैं, ऐसे अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन क्षमता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि मानव की स्थिति गति, जीवन की स्थिति गति, तो अब मानव की स्थिति गति का अनुक्रम हम देखते हैं कि जैसे अवस्थाओं से हम मानव की स्थिति गति को पहचानते हैं। तो हम परिवार में रहते हैं, परिवार में हमारे संबंध है, संबंध है तो संबंधों में अनुक्रम है, सात संबंधों की सूचना होगी तो उन सूचना से हम अनुक्रम को सहज रूप में पहचान सकते हैं। एक सरल उसमें कोई हमारे आगे है, कोई हमारे पीछे है, कोई हमारे साथ है समान हम उम्र में है, फिर कोई बुजुर्ग है, तो इस तरह से एक अनुबंधानुक्रम है और उसमें श्रेष्ठता, श्रेष्ठता के आधार पर यह अनुबंधानुक्रम सजता है। श्रेष्ठता का मतलब है उन्नत चेतना के व्यक्ति, इन व्यक्तियों के साथ अनुबंधानुक्रम स्पष्ट होता है, जिससे कि ऐसे उन्नत चेतना के अधिकाधिक व्यक्तियों से वातावरण सजता है और ऐसे वातावरण में हमें समझने की प्रेरणा मिलती है, हमारे में अंतर प्रेरणा जगता है और हम अध्ययन के लिए वस्तु उपलब्ध रहने से हम अध्ययनशील होते हैं और हमारे में जो पूर्व संस्कार प्रवृत्तियां हैं वह भी हमें उस रूप में पूरक होती है। तो यह सबका अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन क्षमता योग्यता एवं पात्रता। तो क्षमता का विकास, योग्यता का विकास और पात्रता का विकास,
इस तरह से क्षमता योग्यता पात्रता के अनुसार ही जागृति एवं ह्रास की ओर गति है। तो भाई और बहनों, इन तीन मुद्दों पर हमें अच्छे से ध्यान देने से वातावरण, किस वातावरण में हम हैं, वहां पर क्या अध्ययन है और हमारा पूर्व संस्कार का क्रम क्या है, इस ये अनुबंधानुक्रम से हमारा विकास की ओर और ह्रास की ओर गति ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो इससे कार्यक्रम बनता है कि वातावरण को बनाया जाए। अभी ये जो चल रहा है एक प्रकार से वातावरण निर्मिति के लिए ही एक छोटा सा सहयोग है, जैसे सब लोग मिलकर के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। काफी इस बार तो जितना पिछले 15 दिन में सूचना आया है, बहुत सारे जीवन विद्या से जुड़े हुए परिवार एक दूसरे से गोष्ठी कर रहे हैं, परिवार में एक सुखद वातावरण है और उससे जो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सभी रिजल्ट एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। अब ये सारा शेयरिंग से, ये रिजल्ट से है कि नहीं, स्वयं आप जांच सकते हैं कि अब हमारी गति हो रही है। और ऐसा ऐसा होने से हम सबको अपनी अपनी प्रवृत्तियां भी दिख रहे होंगी कि मैं कैसे था और कैसे काम कर रहा हूँ। अभी ऐसा वातावरण यदि सतत बना रहने से हमारी प्रवृत्तियों के अर्थात पूर्व संस्कारों के परिमार्जन या संस्कार वृद्धि में है ना एक प्रकार से सहायता होता है। इसलिए ये तीन स्थितियां की वातावरण होना, विशेष करके मानवकृत वातावरण होना, पूरा मानव अभ्यास दर्शन जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, पूरा का पूरा मानव व्यवहार दर्शन में मानवकृत वातावरण जो कि शिक्षा और व्यवस्था के तत्वों में है, उसका पूरा स्वरूप और खाका, उसका विस्तृत विवरण बारीकियों के साथ बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। तो इस रूप में जैसे जैसे जीवन विद्या के अध्ययन में हमें स्पष्ट होता है, हम वैसे वैसे वातावरण बनाने में हम सहयोग कर सकते हैं, साथ में हमारा अध्ययन भी हो सकता है और हमारे संस्कारों का स्थापना या जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं, सद प्रवृत्तियां हैं, उनका परिमार्जन होकर सद प्रवृत्तियां जागृति के लिए सक्रिय होती हैं। जो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो हमें ही नहीं चाहिए, ऐसी प्रवृत्तियां बिना दुखे, जैसे बाबा जी ने कहा कि भाई ये वुनलेस प्रोसेस है, तो ये अपने आप छटते जाएंगे और सद प्रवृत्तियां उभर कर आ जाएंगी। इस तरह से एक अद्भुत उपलब्धि अध्ययन अभ्यास से होती हुई हमें दिख सकती है। इसके लिए दर्शन यानी समझने का हमारे में बना रहना, प्रेरणा, दृश्य को बार बार देख पाना, और ऐसे दृश्य तो प्रत्यक्ष है, और ऐसे दृश्य को देखने के लिए हमारी दृष्टि में परिमार्जन होना, ये इस अध्याय का अभी तक का अनुभूतियों में हम पहचान रहे हैं। नीचे दृष्टि द्वारा प्राप्त समझ व्यंजना पूर्वक स्वीकृति को दर्शन संज्ञा है। अब ये व्यंजना क्या है तो स्पष्ट हो, जैसे कोई इकाई है, उस इकाई की व्यंजना है, उस इकाई का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, ये सारा हमें स्पष्ट होना, तो उस इकाई की व्यंजना हुई और वो हमें स्वीकृत हुआ, ऐसा स्वीकृति को व्यंजना कहते हैं और यही दर्शन है। तो अब दर्शन का विश्लेषण किया, न्याय धर्म सत्य सहज दृष्टि द्वारा की गई क्रिया प्रक्रिया की दर्शन संज्ञा। अब यहाँ क्रिया प्रक्रिया, जैसा मैंने अभी छोटा सा उदाहरण दिया कि वातावरण अध्ययन और ये पूर्व संस्कार, ये सबका जो अनुबंधानुक्रम है वही क्रिया प्रक्रिया है, जिससे भी हमें जागृति होने की संभावना। तो आगे वातावरण दिया है, प्राकृतिक एवं मानवकृत वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण तो सबको स्पष्ट है, मानवकृत वातावरण क्या है, तो मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था। तो मानवीय शिक्षा होना और मानवीय व्यवस्था होना, ये इससे मानवकृत वातावरण है। आगे एक महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए, देखिए हम सब अभी परिवारों में हैं, तो हमारे परिवार में क्या क्या चीज का अंतर्भाव होने से है ना, इसके प्रकार भी हमें स्पष्ट होते हैं और उससे हमारा अध्ययन भी पुष्ट होता है। कितना सरल रूप में बाबा जी ने इसमें दिया है, और मुझे तो लगता है कि मानवीय शिक्षा के लिए यहाँ उन्होंने एक छोटी सी प्रस्तावना ही इस विश्लेषण में दिया है कि जैसे दर्शन, विचार, शास्त्र, इतिहास एवं काव्य इनसे अध्ययन है, यानी हमारे परिवार में, आज हम सभी परिवार में हैं, तो हमारे परिवार में दर्शन भी होना, विचार भी होना, शास्त्र भी होना, इतिहास भी होना और काव्य भी होना,
काव्य की परिभाषा दिया है, जागरूक मानव के भाव विचार एवं कल्पनाशीलता जो मानव लक्ष्य के अर्थ में हो को दूसरे तक प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त शब्द व्यूह की काव्य संज्ञा है। उदाहरण के लिए हम अपने परिवार में हम सभी छोटों बड़ों को इस तरह के कुछ काव्य गायन प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हम जागरूक नहीं है, जागृति के लिए प्रयासशील है, वो भी एक काव्य हो सकता है। जागृति के बाद क्या दृश्य है उसका कल्पना या अनुमान से रचित हम कुछ काव्य कर सकते हैं। तो इस तरह से काव्य गायन से भी परिवार का वातावरण उन्नत हो सकता है। एक भाई ने, अमित भाई ने इतिहास के बारे में पूछा था कि जैसे भाई वर्तमान कहते हैं तो इतिहास का क्या है, तो मानवीय शिक्षा में इतिहास का महत्व है क्योंकि मानव को भूतकाल है, भविष्य काल है और वर्तमान काल। यह सही है कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है। हम शरीर यात्रा चलाते हैं तो शरीर यात्रा से हमको काल लगता है और ये काल में इतिहास भी है और हमें आगे भविष्य भी है। इतिहास इसलिए दिया हुआ है विगत की मानवीयता की ओर कृतियों एवं घटनाओं के श्रृंखलाबद्ध ये स्मरणार्थ प्रस्तुत भाषा व शब्द राशि की इतिहास। स्वाभाविक है भैया, हम पैदा होते हैं तो हमारा एक इतिहास है। हम कहाँ पैदा हुए है ना, उसके पहले हम मानवीयता के लिए हम जैसे जैसे हमारा जिज्ञासा बनता है तो इतिहास में विगत में मानवीयता के लिए क्या क्या हुआ, ऐसा एक इतिहास हमारे में आने से हमारे में प्रेरणा बनता है। तो अध्ययन के लिए ऐतिहासिक मानवीयता के लिए किए गए सारे ऐतिहासिक तथ्य हमारे लिए प्रेरणा बनता है, हमारी कल्पनाशीलता में अनुमान होता है हम भी कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा एक स्वाभाविक प्रेरणा हमारे लिए होता है। इसलिए इतिहास का यहाँ पर है। भूगोल का देखिए कि भूगोल का विश्लेषण दिया है मानव और मानवीयता के अर्थ में पृथ्वी का सर्वेक्षण निरीक्षण पूर्वक मानचित्र रचना के लिए संपादित अध्ययन की भूगोल संज्ञा है। यानी परिवार में भूगोल का भी आना आवश्यक है। हम कहाँ रह रहे हैं, किस भूभाग में रह रहे हैं, उस भूभाग धरती की विशिष्टता क्या है, कैसे यहाँ की नदियां हैं, कैसे यहाँ के तालाब हैं, कैसे यहाँ के वृक्ष हैं। मुझे याद है बाबा जी का संस्मरण बताता हूँ आपको, जब भी कभी बाबा जी के मिलने के लिए कोई नए व्यक्ति आते थे तो बाबा जी अवश्य पूछते थे आपके यहाँ की कोई विशिष्टता हो तो बताइए। तो एक व्यक्ति बेंगलोर से आए थे, उन्होंने कहा बाबा जी हमारे यहाँ सेब बड़े अच्छे होते। तो तत्काल बोले अच्छा, जब जाने के बाद तत्काल जो आपके यहाँ सेब होता है उसका बीज हमें दे। तो छोटा मोटा हमको अवसर मिला बाबा जी के सानिध्य का, तो उनको भूगोल की बहुत बढ़िया से जानकारी थी और उपभोक्ता। तो पृथ्वी का की मानव हम है तो हमें पृथ्वी का भूगोल का इत्यंभूत जानकारी होना यह हमारे अध्ययन के लिए एक डेटाबेस बनता है। और आज तो ना, आज हम लोग परिवार में हैं तो देख सकते हैं, धरती के चित्र देख सकते हैं, मानचित्र देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं कि जहाँ पर हमें उसका मानचित्र हमें बनता है कि नहीं, हम किस दिशा में रहते हैं, दिशाओं का भाग, ये सारा बना करके एक तीन सत्य जो बाबा जी ने कहा, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य। तो उसमें वस्तु स्थिति सत्य इन सब मुद्दों से निकल जाता है कि नहीं। हाँ, वस्तु स्थिति सत्य स्पष्ट होता है, यानी देश दिशा और काल इस रूप में दर्शन विचार शास्त्र इतिहास एवं काव्य भेद से अध्ययन है। तो हमारे अध्ययन के लिए ये सारा डेटाबेस जानकारियां सूचना ये हमें अध्ययन के लिए प्रेरणा देती है। आगे एक बंधन वाला हम पढ़ते हैं, बाकी आप स्वयं इसमें स्पष्ट हो सकते हैं, कोई क्वेरीज है तो जरूर यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 4-5 मिनट का समय है, बंधन पर थोड़ी सी बात करते हैं और ये जो लोकासक्त है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। 67 का फर्स्ट और फोर्थ क्वेरी है क्या? 67 का फर्स्ट और फोर्थ आशाएं ऐसा क्वेरी आया है? 67 पृष्ठ पर एक क्वेरी है, आशाएं ब्रह्म मुक्ति पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था अर्थ एवं काम के रूप में प्रलोभन प्रत्याशा भेद से दर्शन। आशाएं ब्रह्म मुक्ति पूर्वक
सार्वभौम व्यवस्था, आशाओं का आशाओं के लिए दिशा दिया है कि ब्रह्म मुक्त आशाएं हैं, तो सार्वभौम व्यवस्था आशा में समझ जाता है, और आशाओं में अर्थ एवं काम है तो आशा में प्रलोभन आ जाता है, यह स्पष्ट होता है। प्रत्याशा भेद से दर्शन, आशा और प्रत्याशा ये महत्वपूर्ण भाग है कि आशा स्वयं में है, प्रत्याशा परस्परता। तो जैसे प्रत्याशा, जैसा सार्वभौम व्यवस्था मेरी आशा में है, वैसा सार्वभौम व्यवस्था दूसरे की भी आशा में होना, ये कैसे कनेक्ट होता है, इसका संबंध को कहा ये शास्त्र है, उसे कहा दर्शन। तो इस संबंध में मैं पुनः एक बार अभ्यास दर्शन किए दो तीन शब्दों का आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसमें कहा है व्यंजना व्यंजनीयता व्यंजन उत्पादी, यानी व्यंजना होना, व्यंजनीयता बनी रहना अध्ययन से, और व्यंजन उत्पादीयता माने अन्यों में ही व्यंजना हो, इसके लिए प्रेरणा होना, उसके लिए ही दर्शन और शास्त्र। स्वीकृत व अनुकरण भेद से काव्य, अभी जैसे उल्लेख किया कि जो स्वीकृत और अनुकरण भेद है उससे काव्य, जिस कार्य विचार व व्यवहार से क्लेशोदय हो वह निषेध सरल है, जिससे सुखोदय होता है यदि विधि के रूप में स्वीकारी जाती है। तो जो पहली अनुभूति है सत्सर पेश कर उसका ये विश्लेषण बनता है। और कौन सी बात होगी, प्रवृत्ति व निवृत्ति, बंधन एवं मोक्ष के स्पष्टीकरण भेद से शास्त्र, तो शायद इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति पर है। तो जो भी पूछ रहे हैं भाई और बहनों, इस पर अच्छे से सोचना है, क्योंकि प्रवृत्ति शब्द का जहां जहां पर अनुभूतियां हैं वहां वहां उसका वैसा अर्थ है। तो मूल प्रवृत्ति जीवन में, तो जैसे सुबह एक भैया पूछ रहे थे कि कैसे हम जीवन को स्थिति गति को पहचानते हैं, तो जीवन की स्थिति गति हमें प्रवृत्ति से पहचान है। तो एक तो हमारी एक प्रवृत्ति है, जैसे सरल सरल उसमें कहें खुश रहने की एक प्रवृत्ति है, और एक उदास रहने की भी प्रवृत्ति है। अब चाहे जितना भाई खुश हो, हमें उदास होना है तो हमारी तो उदासी है ना। एक है कि एक प्रेरणा देने की प्रवृत्ति है, दूसरी है कि है इसमें क्या होता है, एक उड़ाने वाली प्रवृत्ति। तो इस तरह से एक प्रवृत्तियों का एक हमको एक समूह अपने में दिखता है, तो ये हो गया प्रवृत्ति। अब जैसे जैसे दर्शन की सूचना आती वैसे वैसे इनमें से जो सब प्रवृत्तियां जो हमारे पहचानने में आती उसको कहते हैं वृत्ति। ये प्रवृत्तियों से निकलकर हम वृत्ति में, वृत्ति से हम अध्ययन की पूर्णता को पाते। अध्ययन की पूर्णता में एक स्थिति आती है, उसको कहते हैं एषणा मुक्ति, वो निवृत्ति। यानी सतत सत्य के ध्यानाकर्षण के लिए ही उपकार सहज स्थिति में वर्तते रहना, ये निवृत्ति है, उसको कहा मोक्ष। तो सामान्य दो भाग हुआ कि प्रवृत्ति का जो प्रारंभिक पहचान है हमारे में बंधन के रूप में होता है, और निवृत्ति का अध्ययन जो चेतना विकास है, मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना। तो सामान्य ध्यानाकर्षण के लिए बाबा जी ने प्रवृत्ति में विकास, प्रवृत्ति का परिभाषण इस तरह से शब्द प्रयोग किया है। मैं आशा करता हूं कि इसे संतुष्ट हुए होंगे, समय भी हुआ, आज मैं थोड़ा सा इसमें कुछ स्पष्टीकरण पर कर पाया। आप सबको ये आपका समय सार्थक लगा हो, आपको लगा, मुझे भी लगा, मेरा भी कई जगह पर ध्यान गया, इसलिए सभी जो पठन हुआ उस पठन के लिए सबको धन्यवाद। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं, नमस्कार। नमस्कार, पृष्ठ 68 पर छठवीं अनुभूति से हम पठन प्रारंभ करते हैं। भ्रमित इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया
तथा क्रिया की पूर्ति के लिए धर्मिक इच्छा निरंतर व्यस्त है जिसकी पूर्ति नहीं। इच्छा एवं क्रिया के सम्मिलित स्वरूप की लोक संज्ञा है। जिसकी पूर्ति नहीं है, जिसकी पूर्ति नहीं है, जो पूर्ण नहीं है, उसकी पूर्ति के प्रति और पूर्णता के प्रति जो हठवादी इच्छाएं हैं, उसकी मृग तृष्णा तथा भ्रांति संज्ञा है जो बंधन है। मृग तृष्णा अथवा भ्रांति का निराकरण सह अस्तित्ववादी दर्शन से ही संभव है। इकाई का ही दर्शन है और इसके लिए इकाई के रूप, गुण, स्वभाव और धर्म का अध्ययन अनिवार्य है। संपूर्ण सृष्टि का कुल अध्ययन जड़ चैतन्य तथा व्यापकता के संदर्भ में ही है। यही भौतिक, रासायनिक एवं जीवन क्रिया के रूप में स्पष्ट है। संपूर्ण सृष्टि का अध्ययन मानव ने कुल छह दृष्टिकोणों से किया है। प्रिया प्रिय, हिताहित, लाभालाभ, न्यायान्याय, धर्माधर्म और सत्यासत्य। सुखाकांक्षा से आशय, आशय से आवश्यकता, आवश्यकता से अध्ययन, अध्ययन से क्षमता, क्षमता से दृष्टि, दृष्टि से दर्शन तथा दर्शन से स्पष्टीकरण तथा स्पष्टीकरण से निश्चित योजना है। इस अनुभूति को दोबारा दोहराना चाहूंगा। सुखाकांक्षा से आशय, आशय से आवश्यकता, आवश्यकता से अध्ययन, अध्ययन से क्षमता, क्षमता से दृष्टि, दृष्टि से दर्शन तथा स्पष्ट। हम मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ रहे हैं। एक उपस्थित होता है कि ये संपूर्ण दर्शन इस निश्चित योजना को हम स्वीकार करते हैं। इस निश्चित योजना की स्पष्टताओं को हम कैसे चिन्हित करते हैं, किन किन मुद्दों पर हमारा ध्यान जाता है और ये स्पष्ट योजना को समझते समझते हम कैसे समाधानित हो सकते। अर्थ तथा काम के प्रलोभन से ही प्रिया प्रिय क्रियाशील, साथ ही धर्म तथा मोक्ष, धर्माधर्म तथा सत्यासत्य दृष्टियां ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष। मानवीयता तथा अमानवीयता से समृद्ध होने के लिए मोक्ष व धर्म के प्रति इच्छा एवं जिज्ञासा होना आवश्यक। दोबारा दोहराता हूं, मानवीयता तथा अतिमानवीयता से समृद्ध होने के लिए मोक्ष व धर्म के प्रति इच्छा एवं जिज्ञासा होना आवश्यक। ब्रह्मवश सुविधा संग्रह प्राप्ति के लिए की गई प्रारंभिक तैयारी ही प्रलोभन है। सार्थक प्राप्ति के संभावनात्मक विचारों की आशय, पुनः दोहरा देता हूं, सार्थक प्राप्ति के लिए संभावनात्मक विचारों की आशय, जिसकी उपलब्धि के बिना तृप्ति संभव ना हो, उसे आवश्यकता की संज्ञा है। अधिष्ठान अर्थात आत्मा एवं अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए
क्रिया प्रक्रिया एवं प्रयास को अध्ययन संभव अर्हता अर्हता द्वारा की गई रीति को दृष्टि और दृष्टि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबन क्रिया की दर्शन संज्ञा है। पुनः दोहरा रहा हूं, अधिष्ठान आत्मा अर्थात मध्यांश एवं अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया प्रक्रिया एवं प्रयास को अध्ययन संज्ञा है। जो जितने पात्रता से संपन्न है वह उसकी अर्हता अर्हता द्वारा की गई रीति को दृष्टि और दृष्टि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबन क्रिया की दर्शन संज्ञा है। क्रिया मात्र ही दृश्य है जिसकी लोक संज्ञा है। दृश्य का दर्शन तथा अदृश्य व्यापकता सहज अनुभव प्रसिद्ध है। सहस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य है। व्यापक वस्तु में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति सहज अनुभव ही ज्ञान अवस्था की इकाई के पूर्ण जागृति का द्योतक है। व्यापक वस्तु में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति सहज अनुभव ही ज्ञान अवस्था की इकाई के पूर्ण जागृति का द्योतक है। लोक तृष्णा से त्रस्त एवं इसमें व्यस्त समस्त प्रयासों में मानव को श्रम की पीड़ा ही है। इसीलिए मानव ने श्रम की पीड़ा से मुक्त होने का यत्न भी किया है। जो मानव की क्षमता योग्यता एवं पात्रता के अनुसार सफल अथवा असफल हुआ है। मानव ने अमानवीयता की समीक्षा तथा मानवीयता और अतिमानवीयता का अध्ययन करने का प्रयास किया है। उपरोक्त तीनों दृष्टि स्वभाव एवं विषय का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। तीनों दृष्टि न्याय धर्म सत्य मानवीय व्यापक ही ज्ञान है, व्यापक ही सत्ता है, व्यापक सत्ता में संपृक्त प्रकृति सहज आचरण ही नियम है जिसको अस्तित्व में पाया जाता है। हर क्रिया नियम से नियंत्रित, विषयी विषय तथा विषय वस्तु यह तीनों क्रियाएं हैं। जड़ क्रिया को पाकर किए गए श्रम से विश्राम की प्रतीक्षा एवं प्रयास मानव ने किया है जो असफल सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही व्यवहारिक एवं वैचारिक एक सूत्रता पूर्वक सहअस्तित्व भी सिद्ध हुआ है जो नियम एवं व्यापकता सहज महिमा। समस्त क्रियाएं सत्ता में नियंत्रित एवं संरक्षित है क्योंकि इकाई और इकाई के बीच सत्ता का अभाव नहीं है। इसलिए सत्ता ही नियम एवं नियंत्रण का कारण सिद्ध हुआ है। इसी के भास आभास प्रतीति एवं अनुभूति के योग्य क्षमता योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होने के लिए मानव ने अनवरत प्रयास विभिन्न स्तरों पर किया है, कर रहा है, करता रहेगा। आगे की अनुभूति के मूल में अध्ययन, अध्ययन के मूल में पात्रता, पात्रता के मूल में योग्यता, योग्यता के मूल में शास्त्राभ्यास व्यवहाराभ्यास कर्माभ्यास, अभ्यास के मूल में साधन, साधन के मूल में एक सूत्रता, एक सूत्रता के मूल में प्रयास, हर मानव इकाई में अपनी अपनी अवस्था और जागृति अनुसार होना पाया जाता है। पुनः दोहरा देता हूं, उक्त प्रयास के मूल में क्षमता, क्षमता के मूल में अध्ययन, अध्ययन के मूल में पात्रता, पात्रता के मूल में योग्यता,
योग्यता के मूल में शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास। अभ्यास के मूल में साधन, साधन के मूल में एक सूत्रता, एक सूत्रता के मूल में प्रयास। हर मानव इकाई अपनी अपनी अवस्था और जागृत पाया जाता है। ध्यान जा रहा होगा आगे की अनुभूति। परस्पर समाधान के अर्थ में जीवन क्रिया व संकेत ग्रहण सहित अनुसरण क्रिया ही एक सूत्रता है, यही एक सूत्रता व जागृति, अन्यथा भ्रम व रहस्य है। संकेत स्पष्टता क्या है, तो इसके पूर्व में स्पष्टता आया है, निश्चित योजना ही स्पष्टता है। तो निश्चित योजना पूर्वक प्रसारित संकेत अनुसरण से ही एक सूत्रता व जागृति, अन्यथा भ्रम व रहस्य है। भ्रमित व्यक्ति के द्वारा भ्रमित व्यक्ति को एवं अमानवीय शिक्षा पूर्वक जागृति को प्रमाणित करना संभव नहीं है। जागृत व्यक्ति के द्वारा ही भ्रमित व्यक्ति को जागृति के लिए मार्ग प्रशस्त करना प्रमाणित होता है, और यही स्वयं में जागृति का भरा देता हूं। भ्रमित व्यक्ति के द्वारा भ्रमित व्यक्ति को संबोधन एवं अमान, जागृत व्यक्ति के द्वारा ही भ्रमित व्यक्ति को जागृति के लिए मार्ग प्रशस्त करना प्रमाणित होता है, और यही स्वयं में जागृति का प्रमाण है। हर एक अंत की तुलना में अंश ही है, अनेक अंशों से संपन्न है, विखंडन पूर्वक एक सूत्रता की उपलब्धि सिद्ध नहीं है, क्योंकि क्रिया किसी गठन पर ही आधारित होती है। इसी आधार पर विखंडन विधि में दाह, ताप या दुख पाया जाता है या बन जाता है। विखंडन क्रिया से किसी का अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गणित शब्द इकाई का विखंडन करते करते भी कुछ शेष रह ही जाता है। मानव परंपरा में विखंडन को समुदायों के रूप में पहचाना जाता है, और अखंडता में एक सूत्रता पूर्वक संपूर्ण मानव एक इकाई के रूप में पहचाने में आता है। पुनः दोहरा रहा हूं लास्ट लाइन, अखंड पहचाने में आता है। मानव लौकिक एवं पारलौकिक भेद से व्यवहार करता है। समस्त लौकिक व्यवहार स्वार्थ या परार्थ भेद से हैं, तथा पारलौकिक व्यवहार सबीज और निर्बीज भेद से है। स्वार्थ प्रलोभन अर्थ व काम के भेद से है, परार्थ व्यवहार अर्थ धर्म और अर्थ के भेद से है, परमार्थ विचार एवं व्यवहार धर्म तथा मोक्ष के भेद से है। मानवीयता के लिए आवश्यकीय नियम पूर्वक किए गए समस्त राज्य नीति एवं धर्म नीति सम्मत व्यवहार को नैतिक तथा भ्रमवश अमानवीयता पूर्वक किए गए व्यवहार को अनैतिक संज्ञा है। नैतिक एवं अनैतिक भेद से स्वार्थवादी व्यवहार है। इसका संबंध स्वजन, स्ववर्ग, स्वजाति, स्वमन, स्वसंप्रदाय, स्वपक्ष तथा स्वभाषा भेद से है, जबकि परार्थ व्यवहार सर्वजन, सर्ववर्ग, सर्वजाति, सर्वमन, सर्वसंप्रदाय, सर्वपक्ष तथा सर्वभाषा भेद से है। स्वजन वस्तु व सेवा को महत्वपूर्ण और अन्य को गौण समझने वाली प्रवृत्ति की स्वार्थ संज्ञा है। इसी प्रकार नमस्कार, अनुभूतियां और शेष है, इसके बाद हम स्पष्टीकरण शुरू कर सकते हैं।
स्वजन वस्तु व सेवा को महत्वपूर्ण और अन्य को गौण समझने वाली प्रवृत्ति की स्वार्थ संज्ञा है। इसी प्रकार परजन मान करने वाली प्रवृत्ति व प्रयास को परार्थ संज्ञा की जाती। विषय चतुष्टय में आसक्ति सबीज एषणा त्रय सहित किया गया व्यवहार अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में सबीज का स्वभाव है। व्यष्टि के अस्तित्व में पाए जाने वाला अभिमान व अहंकार ही संकीर्णता व क्लेश कारण है। समष्टि के अस्तित्व की व्यापक सत्ता में ये विचार के बिना मानवीय कार्य व्यवहार में प्रवृत्ति मानवीय कार्य व्यवहार के बिना व्यवहार की एक सूत्रता के बिना निर्विरोधिता निर्विरोधिता के बिना निर्विरोधिता पूर्ण समाज निर्विरोधिता पूर्ण समाज के बिना सह अस्तित्व के बिना समाधान समृद्धि अनुभूतियों की 68 पर क्रिया की पूर्ति के लिए भ्रमित इच्छा निरंतर व्यस्त है जिसकी पूर्ति नहीं। ये जानते हैं भ्रमित इच्छा और उसकी पूर्ति के लिए क्रिया, ये दो भाग क्या इच्छा के बारे में चित्रण, तो भ्रमित चित्रणों के कंटेंट क्या क्या है, वही अमानवीयता दृष्टि, अमानवीय स्वभाव, अमानवीय विषय, ये सारा पूर्ति होने का कुल मिलाकर के अव्यवस्था, ये सारा अव्यवस्था का चित्रण, ये हुआ भ्रमित इच्छा। क्रिया क्या है, हमने एक अनुभूति पद एवं पदातीत में सुनी थी, इच्छा से द्रवित होने वाला वहां ये क्रिया है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिया ऐसी भ्रमित इच्छा से ऑपरेट होती है, वो क्रिया पक्ष। तो अब क्रिया की पूर्ति के लिए भ्रमित इच्छा, ये चक्र में फंस गए कि ऐसी क्रिया से तृप्ति तो होता नहीं, अतृप्ति। अब इस अतृप्ति के प्रभाव से न भ्रमित इच्छा, इस ये सब पूर्ति करने के लिए, तो इस तरह से अतृप्ति का चक्र या दुष्चक्र यहां पर इंगित किया है जिसकी पूर्ति नहीं है। एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण है इच्छा एवं क्रिया के सम्मिलित स्वरूप की लोक संज्ञा है। तो अब दृश्य का हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो दृश्य में लोक रहेंगे, ये लोक होगा कि जैसे मानव में कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, इस आधार पर मानव रचना करेगा। उसके पूर्व में अनुभूति गया है कि विगत में क्या हुआ, अभी क्या होना है, आगे क्या करना है, ये सारा रचनाओं को हम लोग सोचते रहते भी हैं। पर इन रचनाओं के मूल में इच्छा में जागृति के कंटेंट हो, तो फिर इस लोक से लोकाशक्ति से हम मुक्त रहे, इसको हम समझ पाए, लोक को हम समझ पाए, जिसे ही मानवकृत वातावरण के रूप में कहा गया। तो लोक से विमुख होकर ये अध्ययन नहीं है मेरे अनुसार, लोक के सम्मुख होकर के अध्ययन, और ऐसे ही नियम हमें पता जो बंधन, तो कल जो अनुभूतियों में आए थे प्रकार के बंधन, इच्छा में बंधन है, विचार में बंधन है और आशा में बंधन है। देखिए वापस, चित्त का बंधन इच्छा का बंधन है जो स्वयं द्वारा से अमानवीयता का पोषण और चिंता का जन्म होता है, सरल चेत मेरे अनुसार कि हमें कहीं इच्छा बंधन है। धर्मपूर्ण चिंतन अध्ययन में जो चित्रण है, इन चित्रणों में धर्मपूर्ण चिंतन होना या इस यही चित्रण से इच्छा बंधन से मुक्ति होना,
भ्रमित मानव मान्यता पूर्वक चित्रण मान है। अब इस अभी पर देखें, ये कैसे निराकरण होगा, उसका समाधान दिया है कि स्वजन वस्तु सेवा को महत्व चित्रणों का कभी पूरा नहीं होना। तब इस रूप में इस प्रकार से परजन वस्तु व सेवा में अधिक महत्व का अनुमान कर आशा में जो बंधन है उसमें जो चित्रण के कुछ भाग है वो एक बार मैं आपको स्पष्ट करके प्रयास करता हूं, ये स्पष्ट हो जाए जिससे कि ये बंधन मुक्ति के लिए हमारे प्रयास प्रारंभ। जैसे स्वजन स्पष्ट है ना, जिसको वो स्वजन उसमें सर्वजन, ठीक है। जैसे ही परिचय शिविर में हमने सुना है भावनात्मक आवश्यकता और भौतिक आवश्यकता, तो जैसे ही भाव पक्ष भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान जाता है वैसे ही हम सार्वभौमता के धरातल की ओर गति करते हैं, ऐसा मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। तो वो केवल बोर्ड की एक्सरसाइज नहीं है कि भाव पक्ष और भाव, और जैसे जैसे हमको स्वयं के भाव पक्ष की जानकारी होती है वैसे वैसे दूसरे के भाव पक्ष की भी जानकारी होने लगती है। ऐसे में हमारी संवेदनशीलता में गति आकर हम संज्ञानीयता के धरातल पर भाव अपने आप ही आता है। इस प्रकार परिवार रूपी व्यवस्था में जीकर हम समाज व्यवस्था का अनुमान हमारे में होने लगकर, समाज एक बड़ी व्यवस्था है उसमें परिवार एक छोटी व्यवस्था है, इस तरह से परिवार और समाज में अंतर संबंध स्थापित होकर, देखिए स्ववर्ग, वर्ग सबको पता है वर्गीयता के, तो क्या उसको उसको अपन यहाँ क्या गिनती करें, आज सुबह सुबह देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें सर्व वर्ग आ जाए। स्वजाति सबको पता है, सर्व जाति, स्वमन, ये एक और बारीक मुद्दा है, स्वमन जैसा मेरा मन लगता है वैसे करना, उसको मन मानी के यहां सर्व मन का ध्यान रखना। इसमें सर्व संप्रदाय, स्वपक्ष की जगह पर सर्व पक्ष, इसी से ही स्वार्थी प्रवृत्तियां या व्यवहार होते हैं। इन जगह सर्व मन, सर्व संप्रदाय, सर्व पक्ष और सर्व भाषा, ये सारा हमारी मानसिकता में आने से, परार्थ व्यवहार हमारे में होने से हमारी प्रवृत्तियों का विकास होने, आधार पर उसका एक छोटा सा अनुभूति में उदाहरण दिए हैं कि स्वजन वस्तु सेवा को महत्वपूर्ण और अन्य को गौण समझने वाली प्रवृत्ति की स्वार्थ संज्ञा है। इस प्रकार परजन वस्तु सेवा में अधिक महत्व का अनुमान करने वाली प्रवृत्ति को प्रयास को परार्थ संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से अब हम वापसी सर्व मानव के प्रति इच्छा और उसके आधार पर लक्षण इसमें और स्पष्ट करके दिया। तो मेरा ध्यान गया कि लोक से विमुख नहीं, संसार से विमुख नहीं, संसार को नकार के नहीं, संसार को स्वीकार के हुए, पर उसमें भ्रम कहां से, अनिर्णय ही व्यस्तता है। ये क्यों अनिर्णय है, इसके कंटेंट से भरी हुई इच्छा और उस आधार पर क्रिया सम्मिलित होने से लोकाशक्त से हम निकलेंगे और लोकोपयोगी लोकाकांक्षाओं को पूर्ति करने वाले व्यक्तित्व हम बन सकते। आगे दिया है कि संपूर्ण सृष्टि का अध्ययन मानव ने कुल 6 दृष्टिकोणों से किया है। 68 पेज पर आखिरी से लाभालाभ, न्यायान्याय, धर्माधर्म और सत्यास्त्र, अर्थात परिचय शिविर में इसकी सूचना हम सबको मिली है कि तुलन में ये दृष्टियां हैं प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य, इन दृष्टिकोणों से जागृति पथ पर ले जाती है अर्थात विकास के लिए। और कौन सी दृष्टियां हैं, कि जन्म से ही सुख लक्ष्य को स्वीकार किया है, यानी सुख का आशय हमारे में है, यही हमारा ड्राइविंग फोर्स भी है। सुखाकांक्षा से आशय, आशय से आवश्यकता, ये आशय है इस आशय की पूर्ति की आवश्यकता होना, क्षमता से दृष्टि तथा दर्शन से स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण से निश्चित योजना। इस तरह से भाई और बहन अनुभूति से सुखाकांक्षा का तैयार होते जो ऊपर से दूसरी अनुभूति है इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो प्रयास के मूल में क्षमता, क्षमता के मूल में अध्ययन, अध्ययन और पात्रता का अंतर संबंध स्पष्ट किया। कैसे हम अपनी योग्यता विकसित कर सकते हैं,
और कैसे योग्यता विकसित करने से कैसे हमारी पात्रता विकसित होती है, और योग्यता और पात्रता के विकास से कैसे हमारी क्षमता विकसित हो सकती है। पात्रता के मूल में योग्यता, योग्यता के मूल में शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास का अर्थ है ये जो दर्शन वाद शास्त्र, ये तीनों मिलाकर के जो निश्चित योजना हमारी तैयार जागृति के लिए, उसके लिए जो सूचनाएं हैं, जो स्पष्टीकरण है, जो क्रम है, ये सबको हमको स्पष्ट होने को कहेंगे शास्त्राभ्यास। बोल, साहित्य, दर्शन, विचार इत्यादि से, सूचनाओं से जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के पठन से। बाबा जी ने एक जगह पर कहा है भाई वांग्मय क्यों लिखा है, तो वांग्मय एक सशक्त माध्यम है व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने के लिए। मैं इसी समय में कृतज्ञता में लिखा हुआ महत् प्रयास से ये सारा वांग्मय सुव्यवस्थित ढंग से आज हम तक पहुंच रहा है। मैं छोटी में हूँ तो मुझे हमारे बड़े भैया डी आर भाई, उनकी श्रीमती अंचला भाभी, उनका नाम स्मरण होता है। साथ में हमारे मित्र हैं अभय पुराणी जी, उनकी श्रीमती जी ज्योति पुराणी जी। जब से मैं 2005 से जुड़ा, एक बार गया था, इस तरह से वो घर में पूरे पुस्तकों को संभाले थे, और अभी आज इस पूरे प्रकाशन को बाबा जी के पास बैठकर सारा लिखना, उनसे चेक करवाना काफी प्रयास हुए। इतना सारा वांग्मय जो पुरानी एडिशन का यदि काउंट है, थोड़ा विश्लेषण क्या महत्वपूर्ण नहीं है, है ना? विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है, पर पठन का जो सीक्वेंस है, पठन का जो एक अभ्यास है, उसमें जो प्रस्तुत तर्क है, अनुभूतियां हैं, विश्लेषण है, एक बार हमारे में आ जाना, धीरे धीरे विश्लेषण होगा, सफल होंगे, ये हमारी योग्यता का वर्धन के लिए। तो पठन का जो मैं आशय समझा वो है कि हमारे स्मरण में आना, उसकी तर्क संगति हमारे स्मरण है, इस रूप में पठन का मन। इसलिए थोड़ा सा आपका समय लिया, तब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के रूप में जैसा सोचता हूँ वैसा बोलता हूँ वैसा करता हूँ, ये सारे अभ्यास एक सूत्रता में होने हैं। एक सूत्रता के मूल में प्रयास हर मानव की अपनी अपनी अवस्था और जागृति के अनुसार होना पाया जाता है। अध्यायों में इसका विस्तृत वर्णन है इस बारे में कि हर एक इकाई की अपनी अवस्था, उसका अवस्था का एक मूल स्वरूप पद और पदातीत अध्याय में दिया ही हुआ है। ईश्वर के रहस्य मुक्ति अध्याय है, उस अध्याय में अब जो दो तीन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी समय भी हो रहा है। अब एक सूत्रता, ये बड़ा की मुद्दा है हम सबके लिए। हम सब एक सूत्र कैसे हैं? परस्पर समाधान के अर्थ में जीवन क्रिया व संकेत ग्रहण सहित अनुसरण क्रिया ही एक सूत्रता है। उदाहरण परिवार का लेते हैं, हम परिवार स्वरूप उनके आशयों से, उनकी मानसिकताओं से जो संकेत, उन संकेतों को पहचान पाना और उस अनुरूप समाधान प्रस्तुत कर पाना, ऐसी परस्परता को एक सूत्रता कहते हैं। जो भी सुन रहे हैं, अब इसमें तो जो मानसिकताएं हैं उनके जो संकेत है, परिवार एक व्यवस्था, परिवार मिलकर के काम करते हैं, परिवार समूह मिलकर के काम करते हैं, तो वहां ये जीवन संकेत है, उन संकेतों को पोजिशन, यदि ये सब होगा तो भाई एक सूत्रता तो नहीं होगा, है ना? और जहां तक अभी पिछले, इसलिए समझते रहना, और ये एक सूत्रता यही चेत है हमारे में कि कितना अभी मैं एक सूत्र हो पा रहा हूं, कितना आशयों को पहचान पा रहा हूं। इस अर्थ में स्पष्टता पूर्वक प्रसार संकेतानुसरण से ही एक सूत्रता हो जाती है। अब स्पष्टता मतलब निश्चित, अब हम जितने भी भाई बहन हैं, मेरा विनय है कि क्या निश्चित योजना हमारे पास है, उस निश्चित योजना के लिए कितनी हमने सूचना भी एकत्रित की है, उसके लिए कितना हमारे में जिज्ञासा है, ऐसी जिज्ञासा आवश्यकता, इससे अध्ययन, अध्ययन में ये सारी योग्यताएं, इतने सारे कॉम्पोनेंट्स हमको इस अनुभूति से
ऋषि और कृष्ण के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, और साथ में संस्कृति सभ्यता विज्ञान व्यवस्था जहां तक मेरा ध्यान गया है वो आप सबके सामने इसमें जो तर्क मेरे में बन रहे हैं उनको रखने का प्रयास करूंगा। तो विगत 3 घंटों से आप मेरे साथ हैं, सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। पंक्तियां और शेष है, इसके बाद हम स्पष्टीकरण शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। कल और आज हमने अध्याय 8 और 9 मानव व्यवहार दर्शन के उसका पठन किया, कुछ कुछ आंशिक स्पष्टीकरण भी हुआ। अभी 15-20 मिनट में जो दर्शन दृश्य दृष्टि यह अध्याय है, इस अध्याय का कैसे ये हमसे कनेक्ट होता है उसका एक शोध कहिए या एक तर्क संगति यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पुनः एक बार हम मानव केंद्रित चिंतन यानी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्री ए नागराज द्वारा प्रस्तुत मानव व्यवहार दर्शन इस पुस्तक का हम लोग पठन भी कर रहे हैं और साथ में विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो अध्याय 9 है दर्शन दृष्टि और दृश्य। तो भाई और बहनों, पहले हम दृश्य की स्पष्टता लेंगे। सूचना आपके पास है ही, बस उसको एक बार वापस स्मरण करने की बात। तो दृश्य संपृक्तता का है। अरे दृश्य संपृक्तता का है, दृश्य नित्य वर्तमान है, यह ध्यान देने की बात है। दृश्य ही नियति है और यही सत्य है, यानी जो दृश्य है वह दृश्य सत्य है, इस दृश्य में सच्चाई है। यह सच्चाई कैसी है? तो यह संपृक्तता से भरी हुई सच्चाई, यह संपृक्तता है। व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु संपृक्त, अर्थात सूचना हम सबके पास है ही कि एक एक वस्तु भीगी है, डूबी है, घिरी है। जिसको भीगा, डूबा, घिरा के आपने यदि अध्ययन बिंदु पुस्तक देखा होगा, उस पुस्तक में यह दिया हुआ है। तो दृश्य संपृक्तता का है, उसमें एक एक इकाई डूबी, भीगी, घिरी है, ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है, चुंबकीय बल संपन्न है। डूबने से इकाई क्रियाशील है, सम विषम मध्यस्थ गति में है। घिरने से इकाई में नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, यही नियति है, यही नित्य वर्तमान है। अब इस दृश्य की जो कड़ियां हैं वो कड़ियां यहां पर हम लोग देख सकते हैं। दृश्य सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व में विकास क्रम है, सबका ध्यान जा रहा होगा इन सूचनाओं पर स्मरण करते हुए। विकास क्रम में रचना क्रम भी है और विकास क्रम में विकास है, जैसे गठनशील से गठन पूर्ण होना, ये विकास है, ये दृश्य है। इस दृश्य में मानव जागृति क्रम में है और जागृति संपन्न भी है। हम में से कुछ लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय बाबा जी का सानिध्य पाने का, तो उस रूप में जागृति क्रम जागृति, एक जागृत व्यक्ति हम हमारे सानिध्य में आया, तो इस तरह से यह एक पूर्ण दृश्य है। इस पूर्ण दृश्य के हाईलाइट है
चार अवस्थाएं दृश्य में है, चार पद हैं, संदर्भ है हमारी यह धरती, जगत नाम दे सकते हैं, विश्व नाम दे सकते हैं, सृष्टि नाम दे सकते हैं। तो भाई और बहनों, इसके पहले के अध्यायों में इसके बारे में हमको सूचना मिली है। अभी यह सूचना यहां दृश्य के रूप में कनेक्ट हो रही है। पहला अध्याय सह अस्तित्व, तो सह अस्तित्व में क्या क्या दिखा, ये दृश्य है। और धीरे धीरे सृष्टि दर्शन में इस धरती का संदर्भ, उसमें जगत, इस तरह से अब यह दृश्य, इस दृश्य को देखने वाला कौन, यहां पर दर्शन और दृष्टि, इसको पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़कर कैसे दर्शन दृष्टि और इस दृश्य के साथ योग हो करके हमको समझ मिल सकता है। तो दर्शन अर्थात सर्व मानव दर्शन, ये संदर्भ है, ये किसको हो सकता है, तो ये सभी मानवों को हो सकता है। तो भाई और बहनों, मुझे यहां पर एक ध्यानाकर्षण है कि जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में अंतर क्या है। तो ज्ञान अवस्था को जीने के लिए दर्शन की आवश्यकता है। तो दर्शन यानी समझ होना, ये ज्ञान अवस्था की इकाई की आवश्यकता है। सुखाकांक्षा की पूर्ति के लिए हर मानव को दर्शन की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि दर्शन ये एक सर्व मानव की आवश्यकता है, एक सामान्य आवश्यकता है। क्या है इस दर्शन में, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता। जैसे सत्य दृष्टि है, इस सत्य दृष्टि की प्रतिबिंबन क्रिया से दृष्टि में स्पष्टता, और इस स्पष्टता की सर्व मानव में सूत्र व्याख्या इस तरह से होता है, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता। जैसे सह अस्तित्व सत्य है, सह अस्तित्व में इकाई रूपी एक वास्तविकता है, शून्य एक वास्तविकता है। तो इन वास्तविकताओं का हर मानव के जीने के लिए क्या अर्थ है, वह है यथार्थ। तो मानव होने के नाते मेरा क्या अर्थ है, ये मुझको समझ में आना, यह यथार्थ। और ये कैसे समझ में आ सकता है, ये दृष्टि से समझ में आ सकता है। और ये दृष्टि कहां लगे, ये दृष्टि दृश्य में लगे जो नित्य वर्तमान है, और ये सत्य। आगे ऐसे सर्व मानव को होने के अर्थ में अध्ययन से यह संभव होता है दर्शन। पुनः ध्यानाकर्षण, दर्शन की संभावना मानव में अध्ययन से। सबका ध्यान जा रहा होगा, सामान्य रूप में हम दर्शन किसे कहते हैं परंपरा के उसमें, और यहां क्या कहते हैं। तो अध्ययन से दर्शन होना, तब अध्ययन ये कैसे विश्लेषित होता है, क्षमता, पात्रता और योग्यता से विश्लेषित होता है। पुनः एक बार, दृश्य को प्रतिबिंबन जो हुआ दृष्टि के द्वारा, उसका अध्ययन। क्षमता क्या है, ये जो दर्शन हमें प्रतिबिंबित हुआ उसको मैं वहन करता हूं, ये मेरी क्षमता है। जो प्रतिबिंबित हुआ उसको मैं ग्रहण करता हूं, ये पात्रता है। और योग्यता है अभिव्यक्ति। अध्ययन क्या है, ये महत्वपूर्ण है, अनुभव की रोशनी में यह अध्ययन। जैसे प्रणेता श्री ए नागराज जी को ये अध्ययन पूरा हुआ, फलस्वरूप उन्होंने इस दर्शन को व्यक्त किया। अब यह दर्शन हम सबका कैसे हो सकता है, तो यह दर्शन उन्होंने सबके लिए इस तरह से खुला किया। कैसे खुला किया, तो स्वयं वैयक्तिक प्रयास से, स्वयं की अनुभव की रोशनी हम सभी मानवों के लिए उन्होंने खुली कर दी। तो
अनुभव की रोशनी में और अधिष्ठान की साक्षी में यह अध्ययन कराने की क्षमता उनमें है, यही जागृति है। अब जैसे हम सुबह पढ़ रहे थे इसलिए पठन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, मैं पुनः ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा सभी भाई बहन जो सुन रहे हैं कि पिछले दो दिन हमने पढ़ा है। अब इस पठन के आधार पर इस तरह से हम तर्क संगत कर सकते हैं जो अनुभूतियां हमने पढ़ी है, और हम अपने तर्क को शांत कर सकते हैं। तब अभिव्यक्ति ये योग्यता से संदर्भ में, तो जैसे कहा कि क्षमता के मूल में पात्रता, पात्रता के मूल में योग्यता, ये उस अनुभूति में हमको बताया गया। अब इस योग्यता के मूल में क्या है? शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, ये उसके मूल में है। तो शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास ये कैसे संभव है? तो अनुभव की रोशनी में, अधिष्ठान की साक्षी में वंदनीय बाबा जी ने कुछ वैयक्तिक प्रयास किए जो जागृति क्रम में लगे हुए हम जैसे कुछ लोग। तो अभी बाबा जी का शरीर नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या, तो ऐसी स्थिति में जो ये प्रक्रिया चल रही है वही आज की स्थिति में है। वांग्मय में जैसा जैसा अनुभूतियों को स्पष्ट किया है वैसे वैसे उन अनुभूतियों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जागृति क्रम के हम मानव जागृति को पाने के लिए अभी भी वांग्मय में जो व्यक्त अनुभूतियां हैं उनकी रोशनी में, क्योंकि उनके शब्द है, शब्द का अर्थ है और उस अर्थ की वास्तविकता दृश्य में नित्य वर्तमान है, इस आधार पर पुनः एक बार दर्शन में जो व्यक्त शब्द है उन शब्दों के अर्थ है और उस अर्थ के आशय की वास्तविकता अर्थ सहित आज भी दृश्य रूप में वर्तमान है। हमें दृष्टि को विकसित करना है और दृश्य को देखने का अभ्यास करना है। इस अभ्यास के लिए शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास। अब ये शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास ये कैसे मिलेंगे? तब वंदनीय बाबा जी के वैयक्तिक प्रयास, जिसे हम जागृत मानव परंपरा का खाका कहते हैं, उन्होंने उसको खाका दिया है, ये खाका हमारे में आ गया, इसी को मैं आपको बोध करा रहा हूं, ऐसे उनके वक्तव्यों में हमने कई बार सुना है। तो ये खाका क्या है? तो ये प्रस्ताव है मानवीय शिक्षा, जिसे कह रहे हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा, और मानवीय व्यवस्था, जिसे कह रहे हैं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। तो ये संपूर्ण शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास तात्विक, तार्किक, व्यवहारिक रूप में इस प्रस्ताव में, जिस प्रस्ताव को उन्होंने नाम दिया सर्वतोमुखी समाधान, इस प्रस्ताव में जो विकल्प में 27 बिंदुओं में उन्होंने उसको विश्लेषित किया, और जिसके मूल में अध्ययन है, जो अध्ययन बिंदु में उन्होंने लगभग 44 पॉइंट पे उसको विश्लेषित किया है, और मानव व्यवहार दर्शन के 31 बिंदुओं में मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व के रूप में उन्होंने उसको विश्लेषित किया हुआ है, और उसी का हम क्रमशः पठन कर रहे हैं, समझने का प्रयास। तो इस रूप में अब कैसे क्रम कनेक्ट हो गया, जागृति और जागृति क्रम ये कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट में ये प्रयास है, इन प्रयासों में ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव जैसे जैसे जागृति क्रम के मानव समझते हैं वैसे वैसे उनमें शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास होकर योग्यता विकसित होना, अभिव्यक्तियां विकसित होना, और इसके मूल इससे पात्रताएं विकसित होना, योग्यता और पात्रता मिलाकर के क्षमता जो दर्शन की वहन क्षमता है, और इन्हीं क्षणों में ये अध्ययन पूर्णता होकर ये दर्शन पूर्ण रूप में हमारा स्वत्व बन सकता है। इस रूप में ये जो दर्शन चार भागों में है, और पूरा दर्शन वाद शास्त्र संविधान परिभाषा समेत ये लगभग 13 पुस्तकों में ये पूरा अभ्यास दर्शन प्रस्तुत है। अब भाई और बहनों कि अब दृष्टि पर आते हैं,
अब ये दृष्टि का दृश्य के साथ योग होने से दर्शन, तो यहां देखने वाला कौन है ये पहचानने की आवश्यकता। यहां देखने वाला जीवन है, दर्शन सर्व मानव के लिए, और दृष्टि ये जो मानव में जो जीवन रूपी वास्तविकता है उस वास्तविकता को इंगित किया, उसको कहते हैं जीवन वस्तु। यही है ज्ञान चक्षु। ये कौन से दृष्टि से दिखेगा? तो ज्ञान चक्षु। दर्शन में चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु, दोनों दोनों में दर्शन विश्लेषित है। दर्शन का जो तात्विक भाग है वह ज्ञान चक्षु में है, और जो व्यवहारिक भाग है, जैसे हमारे आंखों को कुछ 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 व्यवहार दिखते भी हैं, तो उसको हम कहते हैं चर्म चक्षु, पर जो पूरा का पूरा खाका वह ज्ञान चक्षु या ज्ञान गोचर विधि से है। तब अब जीवन में देखने की क्षमता, क्या देखने की क्षमता? प्रतिबिंबन क्रिया, उसको कहें देखने की क्षमता। तो मूलतः छह दृष्टि से प्रारंभ है ये, प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य से प्रारंभ। अब इसमें से हमने देखा कि प्रिय हित लाभ ही दृष्टि चालित है, जिसको हम साढ़े चार क्रिया कह रहे हैं। तो हम स्वतः तर्क लगा सकते हैं कि साढ़े चार क्रिया में दृश्य कैसा दिखेगा, आधा दिखेगा कि पूरा दिखेगा, कैसा दिखेगा या दिखेगा भी? हर एक जन सोच सकते कि प्रिय हित लाभात्मक, और इसका आगे चल करके इसका क्या परिणाम होता है, तो ये उन्माद को भी बताया है। तो ऐसे उन्मादी मानसिकता से क्या दृश्य दिख भी सकता है, ये बात। तो फिर क्या ये दृष्टियां खत्म होंगी? नहीं, ये दृष्टियां संयत होंगी, ये नियंत्रित होंगी। कैसे नियंत्रित होंगी? तो न्याय धर्म सत्य, न्याय की सूचना आप सबके पास है, न्याय की सूचना है, दो और दो से अधिक में न्याय, संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति। अब दृश्य क्लियर है, तो न्याय दृष्टि चालित होने से ये दृश्य और साफ साफ दिखाई देता है। ये मेरे को कैसे दिखेगा भाई न्याय? तो अभी अनुभव की रोशनी में मुझको न्याय दिखेगा। मुझको धर्म कैसे दिखेगा व्यवस्था? तो अनुभव की रोशनी में मुझको धर्म दिखेगा। कैसे है? अभी धर्म की सूचना है, उस सूचना के आधार पर कल्पनाशीलता का प्रयोग करके और मैं दृश्य को देखने का प्रयास करता हूं। अनुभव की रोशनी साथ है, ये दृष्टि की क्षमता मेरे पास है, उसको प्रेरणा लगातार आ रही है, उसके साथ मैं अभ्यास भी कर रहा हूं, इन प्रस्तावों में प्रयास भी कर रहा हूं, अपने को व्यवस्थित भी कर रहा हूं, और साथ साथ ये जो दृश्य है उस दृश्य में भागीदार भी हो रहा हूं। फलस्वरूप मेरा स्वयं का स्वयं से योग होने की घटना हम कह सकते हैं दृष्टि, दृष्टि परिमार्जन। अब आगे तो इस तरह से न्याय धर्म सत्य इससे प्रारंभ है। अब ये कैसे होता है? मन में कौतूहल, जैसे ही ये दृश्य दिखता है हमारे में कुछ लक्षण आते हैं, कौतूहल है इस दृश्य के प्रति, अभी हमारा कौतूहल है। ये क्या है? अब तो मैंने यहां पर शब्द लिखे हैं, पर अनेकों रचना है इस धरती पर, पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीवावस्था है, ज्ञान अवस्था है, और ऊपर देखेंगे तो इतने सारे तारे, ये ग्रह गोल, सूरज, चांद, और जितना यूनिवर्स का सारा पिक्चराइजेशन बचपन में ही आता है। तो मेरे मन में कौतूहल है कि दृश्य क्या है, ये दृश्य का अंतर संबंध क्या है। जैसे जैसे वृत्ति में, अनुभव की रोशनी में, अभ्यास के फल में, जैसे जैसे मन में कौतूहल आगे बढ़ता है और वृत्ति में ये वृत्ति को ये दृश्य समझ में आने लगता है, उसको कहेंगे उत्साह होता है, वृत्ति में उत्साह। और जैसे जैसे दृश्य हमारे में स्थिर होता है, वैसे चित्त में आह्लाद की स्थिति है, बुद्धि में आप्लावन यानी रोमांचकारी स्थिति है, और आत्मा में अनुभूति की स्थिति है। इस तरह से ये दृष्टियां परिपूर्ण होने की स्थिति में
कौतूहल उत्साह आह्लाद आप्लावन अनुभूति मैं रेफर कर रहा हूं पेज 30 मानव सहज प्रयोजन इसके पूर्व के अध्याय में आप सब इस सूचना से गुजरे ही होंगे। और साथ में मन और वृत्ति की एक सूत्रता परिमार्जित दृष्टि के साथ दृश्य के साथ अलाई होने से अनुभव की रोशनी में अभ्यास पूर्वक हमें भास सत्य भासता है। सत्य संभावना हमारे लिए होना कहेंगे भास, जीने की जगह स्पष्ट होने को कहेंगे आभास। जो सच्चाई है वह सच्चाई प्रकृति में होने लगती है उसको कहेंगे प्रकृति, यह स्थिर होना और उसकी फाइनली अनुभूति होना। इस तरह की जो अनुमान क्षमता विकसित होकर और हमें प्रतीति और अनुभूति जैसा सुख की स्थिरता, सुख की निरंतरता और हमारे होने में होने लगती है। और इधर ये जो दर्शन है, ये दर्शन यथार्थता वास्तविकता सत्यता भी होने लगने से हम समझदार मानव होने की घटना, जागरूक होने की घटना। और इसी कड़ी में हम उपकार रूप में अलाई होते हैं। जो मुझको हुआ वो अन्यों को होने के अर्थ में और फलन में इस तरह का प्रस्ताव में जो मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था रूपी जागृति क्रम सहित ये प्रस्ताव जिसके मूल में अध्ययन, इसके मूल में दर्शन, इसके मूल में दृष्टि और सदैव ये दृश्य वर्तमान है। इस तरह से जो अध्याय हमने अभी सुबह पढ़ा उसका एक छोटा सा मेरी ओर से तर्क संगतिकरण में धन्यवाद। अब हम एक आगे की प्रस्तुति लेते हैं, यही दृश्य को हम आगे ले जाते, इसी दृश्य को हम आगे ले जाएंगे कि मानव परंपरा यह दृश्य हमारे कार्य व्यवहार में कैसे आता है, हमारे मानसिकता में कैसे आता, कैसे हमारे में उत्साह काम करता है। हमारे मित्र राकेश भाई ने इसकी प्रस्तुति के लिए कहा कि संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था पर एक छोटी सी प्रस्तुति के लिए उन्होंने कहा, बचा हुआ 33 मिनट हम इस प्रस्तुति के लिए कर सकते। ठीक है, मैं आशा करता हूं पिछले 2 दिन समय की सार्थकता आपको छू रही होगी। इस क्रम में मेरा भी पठन हुआ दोबारा और कई मुद्दों पर मेरा भी ध्यान चल गया। तो अब ये जो दृश्य है, अब इस दृश्य में ये जागृति क्रम जागृति ये प्रारंभ हुआ है, यानी एक उत्सव की स्थिति प्रारंभ हुई है और सही भी है। कितने सारे लोग जो जीवन विद्या के शिविर करते हैं और कितने सारे लोगों का ये दृश्य के होने पर, अपनी दृष्टि के परिमार्जन पर और स्वयं में दर्शन के प्रति जिज्ञासा होने पर मन में एक उत्साह, समझने के लिए उत्साह और जो समझ में आया है उसको अभिव्यक्त करने के लिए उत्सव, ऐसी कई सारी स्थितियां सुनने को भी मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं। तो इस रूप में मुझे भी ये महत्वपूर्ण लगा कि इस क्रम में महत्वपूर्ण लगा कि ये कैसे सर्व मानव तक पहुंच सकता है, कैसे सुगमता से पहुंच सकता है। तो सुगमता से पहुंचने के लिए बाबा जी ने जागृत मानव परंपरा का ढांचा खाचा, एक निश्चित योजना, स्पष्टीकरण जागृत मानव परंपरा के रूप में हमें दिया। और जागृत मानव परंपरा में जागृति क्रम जागृति इन धरती के मानवों के संदर्भ में ये प्रस्तुति। तो देखते हैं संस्कृति,
तो इस संस्कृति का लक्ष्य क्या है? ये संस्कृति का लक्ष्य है सर्वमानव। सर्वमानव में क्या? तो सर्वमानव में एक रूपता ये संस्कृति का लक्ष्य है। एक छोटा सा उदाहरण साइड कर सकता हूं। हम मानव तो हमको मानवीय इतिहास का थोड़ा सा पन्ने हमने पलटे हैं तो ज्यादातर जगहों पर हमें घात, प्रत्याघात, विश्वासघात यही सारा दिखता है। और आज की स्थिति में भी कमोबेश हर मानव जो घायल हुआ है इन्हीं किन्हीं मुद्दों में घायल हुआ है। मैं भी घायल हुआ हूं तो मैं सोचता हूं ये जो सब घायल हुआ है और इसका वर्णन बाबा जी ने सटीक किया है, भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान से विरोध, ऐसा एक मेरे जैसा मानव जो भूतकाल की पीड़ा से ग्रसित है, भविष्य की चिंता है और वर्तमान से भारी विरोध है, ऐसा मानव जब इसकी रोशनी में आता है तो ये अपने आप को कैसे संभालेगा? तो उसको संभालने के लिए वातावरण की आवश्यकता। आप सहमत होंगे मैं सर्वमानव की बात करता हूं। सभी मानव कैसे समझेंगे? एक डिजाइन तो ये है कि मैं अपने ज्ञान से, अपने स्वविवेक से कुछ करके हाथ पैर मार के कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया, कहीं से कुछ रास्ता मिलता है, कैसा देखा और अपने आप को कहीं एक सेटल किया जिसको हम शांत बना कहेंगे। पर मैं क्या काम का बना? क्योंकि मन में तो वो है ही, मैंने किसी तरह से उसको सेटल किया तो मैंने अपने में जांचा, मैं काम का तो नहीं बना। मैं काम का कब बनूंगा? कि मेरे में घुल जाए, निकल जाए, भूतकाल की पीड़ा निकल जाए, भविष्य की चिंता निकल जाए और वर्तमान से विरोध खत्म हो जाए तो मैं काम का बनूंगा, समझने के लिए योग्य बनूंगा। मुझको लगता है पहली बात तो यही है। अब ऐसा कैसे हो सर्वमानव के लिए? उसके लिए जागृत मानव परंपरा का डिजाइन सामने आता है जिसमें जागृति क्रम में मेरे जैसा मानव जागृति को पाना चाहता है। क्या चाहता हूं मैं? मैं चाहता हूं एक वातावरण। अब ये वातावरण की खासियत क्या है? एक रूपता, ये इस वातावरण की खासियत। विषमता का न्यून और एक रूपता का अधिक। अब ये कैसे होगा? तो संस्कृति उसका उत्तर। जिस समाज में सांस्कृतिक मूल्य या सांस्कृतिक धरोहर जितनी तगड़ी है उस समाज में एक तो ये घटनाएं होती ही नहीं जिसको मैं अभी वर्णन किया है ना, उसमें वो होती नहीं। यदा कदा हुआ तो आदमी को संभलने के लिए एक संबल है, एक वातावरण। तो संस्कृति उसका उत्तर है। क्या है इस संस्कृति में? इस संस्कृति का मूल है विचार प्रवर्तन। आदमी में विचारों का प्रवर्तन करने की ताकत संस्कृति में। तो ये विचार प्रवर्तन किस आधार पर होता है? उसको कहा तात्रय की सीमा। मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता। पुनः वापस इन मुद्दों की जो सूचनाएं हैं इसके लिए भाई और बहनों, इन सूचनाओं के लिए पठन एक आवश्यक हमारे में प्रक्रिया है। अब मानवीयता, हमारी काल्पनिक मानवीयता इस संस्कृति में नहीं चली, जो संवेदनाओं के आधार पर, जो वास्तविकताओं के आधार पर, ये मानवीयता से सांस्कृतिक परंपरा के लिए कुछ काम हो सकता है। तो मानवीय दृष्टि, मानवीय स्वभाव, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता, इस आधार, इस सीमा में संस्कृति विचार प्रवर्तन का ताकत है सामाजिकता में। और उसी को हम कहते हैं संस्कार परंपरा। इसको मैंने चार पांच मुद्दे
ये है, हमारे कई अध्ययनशील वरिष्ठ बंधु भगिनी हैं, उनसे हमारा विनय रहेगा, ये तो मैंने जैसा मेरा ध्यान चला गया वैसे लिखा है कि नहीं? छोटा सा ध्यान चला गया है, छोटा सा प्रयास है, कमियां हो सकती है, सुनने वालों में से भी काफी समय से जो लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, तो जितना मेरा छोटा सा ध्यान चला गया उस आधार पर मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूं, परिपूर्ण है ऐसा मेरा दावा नहीं। तो मानव में रूप धन पद बल बुद्धि, इस आधार पर हम संस्कृति का अनुमान कर सकते। दूसरा, जन्म संस्कार उत्सव, नामकरण उत्सव, शिक्षा संस्कार उत्सव, विवाह संस्कार उत्सव, अर्थात नाम जाति कर्म धर्म उत्सव। तो व्यावहारिक स्वरूप बाबा जी ने जागृत मानव परंपरा में जागृति क्रम में रहने वाले मानवों के लिए भी प्रस्ताव किया है कि पूर्णता के अर्थ में की गई कृतियों को कहा उत्सव, और ऐसे उत्सवों का एक क्रमबद्ध सीरीज का आयोजन उसको कहते हैं संस्कृति। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको, एक छोटा सा, जैसे हम जन्मदिन उत्सव मनाते हैं तो जन्मदिन उत्सव की रूप में हम सबका जन्मदिन उत्सव होता है, तो उसमें हम अपने में होने वाली घटना पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या होता है उस दिन कि नहीं? अब सब सुनने वाले शून्य लोग हैं, मैं तो अब वो गिफ्ट वगैरह में तो नहीं जाऊंगा, मौलिक रूप में क्या घटना घटती है उस पर मैं थोड़ा सा आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उस दिन स्वाभाविक रूप से हम सभी में एक ग्रहणशीलता का स्पेस अपने आप तैयार रहता है। उस दिन हम बहुत फ्रेश भी रहते और परिवार के जन जो भी हमको कहते हैं हम उनको सुनने की मनस्थिति में रहते हैं, सहित रहते हैं। ऐसे क्षणों में विचार प्रवर्तन यदि हमारे कल्पना में आए, हमारे अनुमान में आए, वहां है संस्कृति। जैसे बाबा जी को एक बार पूछे थे कैसे मनाए जन्मदिन उत्सव, तो वो बोले कि पिछले वर्ष में क्या मैंने अच्छा किया, आगे वर्ष में मैं क्या अच्छा करूंगा, इसका यदि संकल्प दोहरा सकते हो तो ये जन्मदिन उत्सव। देखिए बाबा जी ने अपना जन्मदिन उत्सव अनुभव शिविर के रूप में सामने रखा, इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है संस्कृति कि जो विचार मैंने प्रस्तुत किया, जो अनुभव ज्ञान मैंने प्रस्तुत किया, उस अनुभव ज्ञान का वैचारिक प्रवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। इस रूप में हम में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं लंबे समय से अनुभव शिविरों में अभी आते होंगे, सारा परंपरा का होता रहा कि घटना और ये सब होता रहा, लेकिन एक समय में हम सब बैठते रहे, बाबा जी हम सबको एक रजिस्टर भी देते रहे और उस पर कहते हैं कि लिखो अनुभव हुआ या नहीं। अब अपने जन्मदिन के उत्सव पर सोचिए आपको अनुभव हुआ या नहीं, और इतने सौम्यता से पूछते, नमस्ते करके पूछ, ऐसा हमने कई बार बाबा जी को देखा है, नमस्ते करते हैं पानी को पानी हो जाता है। तो ये संस्कृति में ताकत है। तो इस तरह से ये जो उत्सवों का आयोजन और हम मानव की जिंदगी में देखते हैं, कल्पना करते हैं एक मोहल्ले की जहां पर कितने सारे उत्सव हो सकते हैं, तो हर उत्सव में विचार प्रवर्तन होना और उसकी जो शैली है उद्बोधन, ये उसके कॉम्पोनेंट है। कैसे मनाया जाता है, उद्बोधन का प्रावधान होना, प्रयोजन होना, उसमें प्रोत्साहन होना, शून्य लोग सुन रहे हैं इसका विश्लेषण वो खुद ही कर सकते हैं, क्या किस प्रोत्साहन मतलब अपन कहां कह रहे, संरक्षण होना,
सही का संरक्षण होना, सत्य का संरक्षण होना, न्याय का संरक्षण होना, व्यवस्था का संरक्षण होना, ये निहित बिंदु है ऐसी संस्कार परंपरा के रूप में मनाए जाने वाले उत्सव। तो व्यवहारवादी समाजशास्त्र में इस तरह के चार उत्सव उन्होंने दिए हैं और नटशेल में नाम जाति कर्म धर्म ये संस्कारों का उल्लेख किया है। इसकी हम कुछ तात्विकता को भी थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। तो संरक्षण होना, संवर्धन होना यानी बढ़ाना, परिपालन होना और ये सारा प्रक्रिया होना। तो ये सारा प्रक्रिया होना, उसको एक उत्सव का स्वरूप देना, उसमें सारी एक रूपता आना। अब ये सारी एक रूपता के लिए हम रूप धन पद बल बुद्धि ये सब लेते हैं। रूप की संस्कृति मानव के रूप में काफी अच्छे से हम देख सकते हैं। मानव है, हमारा रूप है, हमारी रूप की संस्कृति में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं हम शोध कर सकते हैं कि अंतिम सांस तक हमारा शरीर स्वस्थ रहना, जीवन के संकेतों को ग्रहण कर पाना और उसका प्रसारण भी कर पाना, उसके लिए साधन रूप में ये शरीर हमारा स्वस्थ रह पाना। शरीर का जो रूप है उसमें रचना विरचना नियम है, इस रचना विरचना नियम को जीवन द्वारा सहयोग होना है कि नहीं। तो 60 हो गया तो भी सेलिब्रेशन है, 75 हो गया तो भी सेलिब्रेशन है, क्योंकि उसमें विचार प्रवर्तन की ताकत है। और ये जो तात्रे की सीमा जो हमको यश मिला, उस यश का एक दूसरे के लिए प्रकटन है। ये मानव की कितने सारे डायमेंशन है इस रूप संस्कृति के, ये हमारे लिए शोध का मुद्दा हो सकता है। छोटा छोटा काम अपन इसमें कर सकते हैं। दोनों रूप देखना है, धरती का भी रूप है, किस तरह से धरती हमें मिली और किस तरह से इस धरती का रूप का हम संरक्षण करना, रूप का संवर्धन करना, ये सबका परिपालन प्रक्रिया होना। तो आज तो धरती का संरक्षण और संवर्धन करने की बात है। जरा सा 10 दिन हम लोग घर में बैठे हैं और कई लोगों की रिपोर्ट है कि नदी का पानी साफ हो रहा है, हवा शुद्ध हो रही है, पक्षियों की किलबिलाहट आ रही है और हम परिवार में होने से परिवार के सदस्यों पर ध्यान भी जा रहा है। तो ये जो हमसे होने वाले कृतकारी अनुमोदित विधि से जो हो रहे अपराध जो धरती के साथ रुके, कितने कम समय में धरती वापस अपने स्वरूप में आ रही है, हम सोच करके ही उत्सव मना रहे हैं। तो इस तरह से धरती का भी रूप है, इस रूप का संरक्षण होना, संवर्धन होना, ऐसे रूप संरक्षण संवर्धन के कितने सारे उत्सव हो सकते हैं हम कल्पना कर सकते हैं। हमारा जो धन है, धन की संस्कृति है उदारता, रूप की संस्कृति है चरित्र। इस प्रकार से उत्सवों के अनेकों उत्सवों का आयोजन हो सकता है। जागृत मानव परंपरा में इसलिए कहा, हर पल सुख का है, हर क्षण सुख का है, हर पल उत्सव है। और इस उत्सव में जहां रूप चरित्रता से, धन उदारता से मानव में एक रूपता प्रारंभ हुई। पद की संस्कृति है, हाँ पद होंगे, व्यवस्थाओं में कुछ पद होंगे, पर जैसे सुबह हमने चर्चा किया, पद का वर्गीकरण स्पष्ट है, पद किस लिए है उसका प्रयोजन स्पष्ट है, पद मुक्ति भी स्पष्ट है। इस प्रकार ये जो पद है, पद से भय चला गया और पद में जो आशय है न्याय, वो प्रकट होने से सर्व मानव में एक रूपता का भाव ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों से हमको मनाने को मिलता है। बल की संस्कृति है, क्या सुंदर मुद्दा है बल की संस्कृति, सेवा जिसे कहते हैं, शरीर बल लगाकर, जैसे मां शरीर बल लगाकर बच्चे के लिए प्रयास करती है, उसमें उसका शरीर क्षण होता है, क्षरण होता है, परंतु बच्चे का शरीर बलवान होने लगता है, ये बल का ट्रांसफर। ऐसे ही हम सेवा करते हैं एक दूसरे को, वृद्धों की सेवा करते हैं, बल ट्रांसफर। तो उस तरह से
तो नहीं हुआ, पर उस बल में जो प्रेरणाएं हैं वो प्रेरणाएं ट्रांसफर हो, शरीर हमारा क्षरण हुआ पर उस तरह से भावों का संरक्षण और संवर्धन हुआ। उस तरह से मानव शरीर बल है, तो बल का जो संस्कृति है वो दया के भाव में दिया है, और जो बुद्धि है मानव में, बुद्धि का संस्कृति है विवेकशीलता का संरक्षण और संवर्धन। इस रूप में रूप धन पद बल, ये जो ऐश्वर्य मानव को प्राप्त है, इन ऐश्वर्यों को विचार का आधार होने से एक जो सांस्कृतिक परंपरा हमारे में तैयार होती है, उस आधार पर ये उत्सव, ऐसा मेरा ध्यान गया है। तो नाम जाति कर्म धर्म, अब ये सब में नाम जीवन अपने नाम के अर्थ से तदाकार होता है। ये सूचना बाबा जी ने दिया, आज हम सबके जो भी नाम है उस नाम का अर्थ, अब नाम रखना तो कोई अर्थपूर्ण नाम हो, मेरा नाम योगेश है तो योगेश का कोई अर्थ है, इस अर्थ के साथ मैं तदाकार हूं, इस अर्थ के आधार पर मैं जीने का प्रयास करता हूं, तो जब भी मेरा जन्मदिन होगा मेरे नाम का क्या अर्थ है, यह अर्थबोध मेरे को होने से और मेरे में प्रेरणा, ऐसे ही सबका है। तो नाम है, जाति एक, हम मानव जाति के हैं, हमारा कर्म क्या है, सुकर्म हमारा कर्म, ये कर्म संस्कार है, मानव को करने लायक कर्म कौन से हैं, तो ये विचार प्रवर्तन संस्कृति के माध्यम से पहुंचता है, पहुंचने का रास्ता संस्कृति है, और उसी को हम धर्म कहते हैं, हम मानव धर्म में भी एक है, सुख हमारा धर्म है। इस तरह से धर्म का कंटेंट, कर्म का कंटेंट, जाति का कंटेंट, नाम का कंटेंट, उसकी तात्विकता सहित, उसकी तार्किकता सहित, उसकी व्यावहारिकता सहित जैसा दृश्य में है, ये कोई कल्पना नहीं दे रहे, ऐसा दृश्य है और ऐसा दृश्य यहाँ सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, ऐसी दृष्टि हमारी पर और ऐसा दर्शन हमारे में होना, प्रारंभ होना, इस रूप में संस्कृति, यह जागृत मानव परंपरा में इस तरह की क्या है, ऐसी संस्कृति को विकसित कर सकते हैं, ये हमारे लिए कार्यक्रम। अब अगला पड़ाव है सभ्यता। तो दरअसल में संस्कृति सभ्यता साथ है। अब ये सभ्यता कैसे है, तो जैसे संस्कृति के मूल में विचार प्रवर्तन है, वैसे सभ्यता के मूल में आचरण अर्थात व्यवहार कार्य अनुसरण अनुकरण, ये इसके मूल। तो क्या चीज है ये, तात्रेय निर्वाह की जो शिष्टताएं हैं, जो उसकी रीति है, वो रीति का स्पष्टीकरण ही सभ्यता है। कैसे स्पष्टीकरण होता है हमको, तो जो हमारे निहित दायित्व और कर्तव्य हैं उनको निर्वाह की परंपरा, जैसे संस्कार की परंपरा है वैसे संस्कार अनुरूप उसको पुष्ट करने वाले दायित्व और कर्तव्यों की परंपरा, ये सभ्यता। कैसे दायित्व और कर्तव्य हैं, तो मानव संबंध सात हैं, नैसर्गिक संबंध तीन। तो इस तरह से ये जो सात मानव संबंध है, तीन नैसर्गिक संबंध है, और व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और अंतरराष्ट्र रूप में ये हमारी स्थितियां हैं। तो सर्वमानव की ये स्थिति, सर्वमानव व्यक्ति रूप में है, परिवार में है, समाज में है, राष्ट्र में है, अंतरराष्ट्र में है। तो ये सबका एक संबंध है। ये संबंध का कैसे हमारे में निर्वाह है, जैसे एक उदाहरण लिया, संबोधन करते हैं हम, उससे हमारा सभ्यता है, उसमें जो शिष्टताएं हैं वो हमारी सभ्यता है। जैसे इन संबंधों में शिष्टताओं पर आपका सहज ढंग चला जाता होगा, जैसे कोई आगंतुक आते हैं तो हम किस शिष्टता से पहुंचते हैं, जैसे घर में माता पिता और भाई बहन रहते हैं उनको हम किन शिष्टताओं से उनके साथ व्यवहार करते हैं, इस रूप में ये शिष्टताएं। अब ये शिष्टताएं कैसे परिलक्षित होती है, हमारा आहार विहार व्यवहार में परिलक्षित होती है। अब ये सबके ऊपर जैसे एक भौगोलिक परिस्थिति भी है, ये इन शिष्टताओं के लिए इस पर भी सोचा गया है कि भौगोलिक परिस्थिति जैसी है वैसा आहार वैसा विहार, पर व्यवहार अक्षुण्ण रहता है। व्यवहार व्यवहार में थोड़ा सा प्रभाव दिखता है, परंतु उसके मूल में विचार रहने से कुछ देर में ऐसा व्यवहार हमको सहज रूप में समझ में आता है।
जैसे पहाड़ में रहते हैं तो एक प्रकार का हमें आहार विहार व्यवहार दिखता है, जैसे हम प्लेन्स में रहते हैं तो एक प्रकार का दिखता है, बर्फीली प्रदेश में रहते हैं तो एक प्रकार का दिखता है, पर जिसके मूल में विचार है और ये तात्र निर्वाह की शिष्टता है तो भौगोलिक परिस्थिति के साथ और ये जो शिष्टताएं हैं संबंध और व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र ये सब में जो निर्वाह की परंपरा है उसको हम कहते हैं सभ्यता। इस रूप में संस्कृति सभ्यता ये अंतर संबंध बनता है। तो ये दोनों साथ साथ हैं। ये क्या है, ये सर्वमानव की एकरूपता है, इससे वातावरण है और ऐसे वातावरण में हमारे मन को एक उत्सव आता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक लग रहा होगा ना सबको, आगे चलते हैं। संस्कृति के मूल में विधि है, अब ये मूल वाला थोड़ा सा ध्यान चला गया। संस्कृति के मूल में विधि, सभ्यता के मूल में है व्यवस्था। तो इस तरह से कोई अंतर संबंध है उसको देखते हैं। विधि व्यवस्था के पोषण के लिए संस्कृति सभ्यता, संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के लिए विधि व्यवस्था, इस तरह से अनेकों बार हमारे में हमारे वांग में जब हम पढ़ते हैं तो उस तरह से उसमें कहा गया है। तो विधि मूलतः ज्ञान प्रमाण, ये विधि है। उसका सूत्र है अनुभव विधि अनुभवगामी पद्धति। जैसे उदाहरण ये जैसे आया रूप धन पद बल बुद्धि, इसकी संस्कृति है ना, ये उद्बोधन प्रयोजन ये सब कहां से आया, इसके मूल में अनुभव मूलक विधि और अनुभवगामी पद्धति से इसमें एक विचार बना और उस विचार के आधार पर ये उत्सव तय, इसके मूल में ये विधि। यह विधि उत्सव पूर्वक जब आती है समाज के साथ तब उसको अपन संस्कृति के, और यह विधि जब शिक्षा पूर्वक आती है सर्वमानव के पास तब उसको हम अध्ययन के। इसलिए जो विधि है विधियों का अध्ययन होता है और उससे जो हमारे में एक उत्साह है उस उत्साह को हम संस्कृति के रूप में मनाते हैं। तो ज्ञान प्रमाण अनुभव मूलक भी अनुभवगामी पद्धति, इसकी सूचना आप सबके पास है ही। अब अनुभव मूलक विधि में क्या चीज है, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, ये छह मुद्दे हैं। तब आप ध्यान दे रहा है कि नियम नियंत्रण संतुलन हमें प्रकृति में मिलता है, न्याय धर्म सत्य ये मानव में मिलता है। इस तरह से मानव और शेष प्रकृति में के अंतर संबंध का हमारे अनुभव में आना और ऐसे अनुभव ज्ञान प्रमाण का और विधि विकसित होना, इसका आधार है मूल्य मूल्यांकन। ये विधि का आधार है मूल्य मूल्यांकन। इसका व्यवहारिक स्वरूप बाबा जी ने दिया, उसमें लिखा है एक से अधिक मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना के लिए जब निर्णित रूप में इकट्ठा आते हैं उसको कहा विधि है। ये विधि है, अब यह संगठन की विधि है। एक अनुभूति उसके पहले गई है कि संगठन मानव का स्वभाव है, है कि नहीं, कारण साम्यता लक्ष्य साम्यता कार्यक्रम साम्यता। संगठन क्या है, तो अखंड समाज ही संगठन है। उस संगठन की स्थापना के लिए एक से अधिक मानव, अब यहां एक अभी जागरूक मानव बाबा जी उन्होंने प्रयास किए उनके जैसे होना और ऐसे लोग मिल करके और ये निर्णय लेना कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में हम सब इकट्ठा होते हैं, तब इस रूप में कहा ऐसे सर्वमानव होना उसको कहा एक सूत्रता। तो विधि और व्यवस्था में एक सूत्रता है, संस्कृति और सभ्यता में एक रूपता है, दोनों जगह सर्वमानव है यानी ये सभी मानवों के लिए है। तो इस आधार पर मूल्य मूल्यांकन तो विधि का सूत्र बनता है, नियम प्रक्रिया उपलब्धि ये सिद्धांत ये विधि है, अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं।
तो जैसे अध्ययन विधि है, ये संस्कार कैसे होना है उसकी विधियां हैं, सभ्यता कैसे निर्वाह करना है उसकी विधियां हैं। इस प्रकार से अनेकों विधियां, नियम, प्रक्रिया, उपलब्धि, सिद्धांत, ये जो हम सारी अभी अनुभूतियां पढ़ रहे हैं, दरअसल में ये सारी अनुभूतियां हमें विधि और व्यवस्था की मौलिक समझ या स्पष्टता ही हमें दे रही कि कैसे हमको समझ में आएगा। इस तरह से एक मार्गदर्शन ज्ञान प्रमाण के रूप में विधि में स्पष्ट होता है, और व्यवस्था, व्यवस्था में न्याय समाधान। ये न्याय समाधान कैसे, उसके पांच डायमेंशन है, शिक्षा, संस्कार, सुलभता। तो जहां एक से अधिक मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना के लिए एकत्रित होना, ऐसा आशय का पालन होना, यानी उसको कहते हैं व्यवस्था। तो विधि द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन को नाम है व्यवस्था। तो ऐसी व्यवस्था न्याय समाधान के रूप में सर्व मानव को ये पांच सुलभताएं होना, ये व्यवस्था है। जैसे शिक्षा, संस्कार, सुलभता, स्वास्थ्य संयम, सुलभता, उत्पादन कार्य, सुलभता, विनिमय कोष, सुलभता, न्याय सुरक्षा, सुलभता। जहां जहां अभी हम लोगों का ध्यान गया होगा, इस अपूर्णता में भी जहां जहां ये चेतना विकास, मूल्य शिक्षा, सुलभता हुई है, वहां वहां के व्यक्तियों को आंशिक रूप में अपनी मनस्थिति में एक व्यवस्था का फीलिंग तो जरूर आया कि हाँ, यह व्यवस्था है। तो इस रूप में ये सारी सुलभताएं सर्व मानव के लिए उपलब्ध होना, ये कैसे उपलब्ध होती है उसके लिए नीतियां रखती हैं। तो आगे आगे के व्यवहार दर्शन के अध्यायों में इस पर काफी डिटेल है, तो इन डिटेल्स पर हम सबका ध्यान चले जाने से ये जो विधि व्यवस्था है उसकी और क्लैरिटी आने की संभावना है। फिर से वापस जब हम पठन करेंगे तो उसमें जो नैतिक सुरक्षा, धर्म नीति और राज्य नीति अध्याय 15 में है मेरे अनुसार, तो ये सारा उसमें दिया है। तब जैसे विधि के मूल में ज्ञान, ज्ञान प्रमाण, मूल्य मूल्यांकन, वैसे व्यवस्था के मूल में न्याय समाधान, फल परिणाम, ये व्यवस्था के आउटकम के रूप में दिखता है। तो यहां नियम, प्रक्रिया और उपलब्धि ये सिद्धांत है, यहां इसके पालन के लिए नीतियां हैं, जिसको धर्म नीति और राज्य नीति है, अर्थनीति भी है। तो सर्व मानव, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में है, ये सारे नीति से और विधि से एक सूत्र होते हैं, उसको कहते हैं विधि व्यवस्था। तो ऐसे विधि व्यवस्था के संरक्षण में संस्कृति सभ्यता है, और संस्कृति सभ्यता के पोषण में ये विधि व्यवस्थाएं हैं। इस तरह से विधि व्यवस्था, संस्कृति सभ्यता का अंतर संबंध बाबा जी ने पुनः एक बार, ये दृश्य यदि हमारे कल्पना में आ रहा होगा तो ऐसे दृश्य, ऐसे हमारे अनुमान, ऐसी हमारी कल्पनाशीलता में, तब हम इसको कहते हैं जागृत मानव परंपरा, जो कि जागृति क्रम जागृति के रूप में ये विश्लेषित होता है। तो भाई और बहनों, इस तरह से ये जो प्रस्तुति मेरी थी, ये प्रस्तुति अब तक पहुंच गई होगी। इस प्रस्तुति सुलभता के लिए पहुंचने के लिए मेरे मित्र गोपाल मेरे साथ रहे, अभ्युदय संस्थान परिवार हमारे साथ है। हालांकि 5-1 मिनट का समय है, तो चूंकि प्रस्तुति पूरी हुई है हम रुक सकते हैं। तो सभी सुनने के लिए, समय देने के लिए मैं सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। इसके ऊपर कुछ आपके प्रश्न होंगे तो ग्रुप में जरूर उसमें लिखिए। काफी सारे वरिष्ठ बंधु भगिनी इस ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये सभी आपको व्यवस्थित उसको उत्तरित कर सकते हैं। जितना छोटा मोटा मेरा ध्यान चला गया, मैं भी आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सुबह एक प्रश्न आया था, उसको ले सकते हैं कि जैसे इच्छा से द्रवित होने वाले अंग को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रिय, है ना, ऐसे इंद्रिय कहा है। बस मेरा छोटा सा स्पष्टीकरण है,
जो भाई उसको पूछ रहे हैं कि इसको कर्म दर्शन में हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें उसको कहा है क्रिया शक्ति जागरण, जीवन में शक्ति जागरण है। तीन प्रकार की शक्ति है, एक है क्रिया शक्ति जागरण, दूसरा है इच्छा शक्ति जागरण और तीसरा है ज्ञान शक्ति जागरण। तो जहां तक मेरा ध्यान गया भाई कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधेन्द्रियों में ये जो शक्ति जागरण है, तो मैं आपको कुछ कुछ उदाहरण से ये शक्ति जागरण हमारे में कैसे होता है और ये कैसे हमारे लिए काम करता है, इसके छोटे से उदाहरण दे करके ये प्रस्तुति को मैं पूरा करता हूं। जैसे शब्द रूपी क्रिया शक्ति जागरण से मेरा ध्यान जाता है भैया, जिस तरह की हमारी अभी भाषा है, उस भाषा की जो सार्थकता है, तो इस भाषा में जो अमानवीय भाषा है वो चली जाना, मानवीय भाषा हमारे में आना, इस तरह से हमारा भाषिक विकास होने से, क्योंकि भाषा के मूल में भाव है, तो मानवीय भाषा के प्रयोग से हमारे में मानवीय भाव जगने की संभावना बनती है। इस रूप में ये जो शब्द है, इन शब्दों की, सार्थक शब्दों की एक हमारे पास वोकैबुलरी तैयार होना, कैसे हम अपने भावों को, मेरी जिज्ञासाओं को, कई बार हमने ये देखा कि प्रश्न बांधते भी नहीं बनता, क्या प्रश्न है ये पूछने के लिए शब्द भी नहीं है, कैसे मैं अपने भावों को पहुंचा पाऊं, कैसे मैं अपने भावों को कनेक्ट करूं। अच्छा, एक मानव दूसरे मानव से कनेक्ट होता है तो मेरे भाई अभी शब्द से ही कनेक्ट होते हैं, है कि नहीं। तो उस रूप में ये जो काव्य है, कासा कोविद, ये सारी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां भावों को व्यवस्थित रूप में एक दूसरे को पहुंचाने के लिए ये जो शब्द है ना, उच्चारण तो हम ही करते हैं, शब्द गढ़ते हैं, तो ये चित्त में होने वाली घटना है। तो मुझे लगता है कि इन शब्दों के लिए तो इस तरह से शब्द का मानवीयता को समझने के लिए इस तरह से क्रिया शक्ति जागरण, दूसरा है स्पर्श, अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है भैया कि स्पर्श में मानवीय स्पर्श की क्या ऊंचाई है, ऐसे स्पर्श को पहचानना और ऐसे स्पर्शों का अभ्यास होना, ये थोड़ा ध्यान देने की चीज है। आपका भी ध्यान जा रहा होगा, जब आप इतना अच्छे से इस प्रश्न को रखे हैं तो स्पर्श पर भी आपका ध्यान गया होगा। तीसरा है रूप, अभी थोड़ी देर पहले रूप संस्कृति की बात की है, तो जिस तरह से हमारा रूप है, रूपात्मक हम लोगों का क्रिया शक्ति है, तो रूप भी कैसा स्वरूप के आधार पर हमारा रूप हो, इस तरह से ये क्रिया शक्ति है। रस जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए है, तो इस तरह से क्रिया शक्ति जागरण में वैसे रस ग्रहण करना, वैसे रसों को पहचानना, और तीसरा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंधों को भी पहचानना। अभी जैसे धरती का आपको उदाहरण दिया, देखिए बाबा जी एक जगह बोल के गए, धरती गंधवती है कि नहीं। अब जितना यह अव्यवस्था है भैया, कहां उसमें गंध आता है बताइए, मैंने सोचने की एक आवश्यकता है। तो धरती गंधवती है होना, यानी ये सारा जो प्रकृति का ऐश्वर्य है, इन ऐश्वर्यों को हम पहचान पाना, यह एक व्यवस्था है, यह पहचान पाना, और ये सारी व्यवस्था और जो हमारी इच्छा में, जो हमारे इंद्रियों से ये जो संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को मानवीय धरातल की कसौटी पर पहुंचा पाना, ये क्रिया शक्ति जागरण है। एक उदाहरण के लिए छोटा सा तर्क जाता है, ज्ञान इन्हीं से कैरी होता है। यदि मेरा शब्द का व्यवस्थित है, तो जो शब्द, अभी बहुत सारी अड़चन आती है कि जिस तरह की भाषा इस दर्शन में प्रयोग है, कभी मैंने सुना भी नहीं है, तो पहला अड़चन तो शब्दों का जा रहा है, जबकि सामान्य हिंदी में प्रस्तुति है। तो इस तरह से ये जो क्लींजिंग है हमारे में, मानसिकता में, शब्द स्पर्श रूप रस गंधेन्द्रियों से जो अव्यवस्थित हुआ है, और ये सारी संवेदनाएं जो विषय केंद्रित हुई है, ये सारी संवेदनाएं संज्ञानीयता के अर्थ में होने के अर्थ में, मुझको लगता है ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न में इस तरह से उसको तो कहा है क्रिया शक्ति जागरण, क्रिया शक्ति जागरण का नियोजन इच्छा शक्ति जागरण,
और इच्छा शक्ति जागरण का नियोजन, उस तरह से ज्ञान शक्ति जागरण, तो इस तरह से इन शक्तियों का जागरण होने से उसको कहा है उपासना। ऐसे उपासना में ये जागरण, अब ये जागरण जिस तरह से दृश्य है और जिस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ है, जिस तरह से मानव व्यवहार दर्शन का पुस्तक हम सब लोग पढ़ रहे हैं, इन अनुभूतियों को भी पहचान रहे हैं, तो इस तरह से ये हम हमारा उपासना ही है एक प्रकार से, जिसको कर्म दर्शन में विश्लेषित किया है। तो आपका जो आशय था मैं शायद आपको पहुंचा पाया। थैंक यू पुनः एक बार सभी को, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।